गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू, प्लीज कंफर्म। गुड मॉर्निंग हरगोविंद, गुड मॉर्निंग अखिल, गुड मॉर्निंग अभिनय, ओके सुरभि मिश्रा, थैंक यू सो मच, थैंक यू अभिनय, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग, ओके ओके उजयश्री, थैंक यू सो मच, ओके। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल रोशन लीगल। सो टुडे वी आर हियर ऑन 27th of August 2022 विद अ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विच इज के एस पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को किसी भी इंट्रो की जरूरत नहीं है। दिस केस इज बेसिकली ऑल्सो नोन एज द आधार कार्ड केस, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग आदर्श, आई होप सबने इस केस के बारे में पढ़ा होगा और हमने इस केस को बहुत ही ज्यादा बार रेफर किया है, बहुत बार हमने इस केस के बारे में सुना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट था इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट खड़क सिंह के रूलिंग को ओवररूल किया था, जजमेंट को ओवररूल किया था, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं हमें यह बताया था कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो कहीं ना कहीं एक इंटीग्रल पार्ट है किसका, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, विच इज राइट टू लाइफ विद पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी में प्राइवेसी भी आती है। और दूसरी चीज उसको फर्दर एलिबोरेट करते गए थे हम कि प्राइवेसी में राइट टू डाई, सॉरी राइट टू डाई बोल रहा हूं, राइट टू बी फॉरगेटन, राइट टू बी लेफ्ट अलोन, ठीक है ना, राइट टू चूज योर पार्टनर। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आती चली गई, उसके बाद हम फर्दर एलिबोरेट करते चले गए आर्टिकल 21 को, ठीक है ना, राइट टू प्राइवेसी को। हमने एक केस पढ़ा था बॉम्बे हाईकोर्ट का, जोरावर सिंह मुंडी का केस, ठीक है ना, वहां पर हमने पढ़ा था राइट टू बी फॉरगॉटन, वो भी आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी का एक इंट्रिंसिक पार्ट बताया गया था, इंटीग्रल पार्ट बताया गया था उसको भी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जोरावर सिंह मुंडी के केस में भी रेफरेंस हमने के एस पुट्टास्वामी केस को ही दिया था, ठीक है ना। जो पुट्टास्वामी केस है बेसिकली वो कहीं ना कहीं जो राइट टू प्राइवेसी को एस्टेब्लिश करता है विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर हो रहा है। तो ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस केस को जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस केस में कोई कंफ्यूजन लगता है आपको तो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके की कंफ्यूजन को मत बनने दीजिएगा। बेसिकली इस केस के जो ऑब्जर्वेशन है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस का, ठीक है ना। तो जब भी ये केस अप्लाई किया जाएगा नेक्स्ट टाइम से, तो आपको एक क्लियरिटी होगी, कंसेप्चुअल क्लियरिटी होगी कि क्यों आर्टिकल 21 जो है वो को राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 का पार्ट बताया गया और क्यों अभी तक इसको ओवर रूल नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो क्या रीजनिंग थी और या क्या सिचुएशन आएगी जब इसको ओवर रूल किया जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए हम इस हिसाब से इन केसेस को पढ़ते हैं और ये लैंडमार्क केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बिफोर जंपिंग ऑन टुडेज टॉपिक विच इज द केस पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, लेट्स डिस्कस द प्रीवियस क्लास केस विच इज द इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या हुआ था, फटाफट बताइए। ये मैरिटल रेप पर कंसेप्ट जो केस है ना वो फोकस था मैरिटल रेप पर। तो बेसिकली था क्या इस केस में, मैं आपको बता दूं, इंडिपेंडेंट थॉट बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए। जो आप क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं सेक्शन 375 की जब भी बात की जाती है तो ये जो केस है ना इंडिपेंडेंट थॉट या मैरिटल रेप की बात होती है, तो ये जो केस है ये आपके लिए बहुत ज्यादा एक तरीके से रामबाण की तरह काम करता है, ठीक है। आप इसको रेफर कर सकते हो, इसके जजमेंट को रेफर कर सकते हो, तो ये जो केस है कहीं ना कहीं आपके लिए एक सपोर्टिव केस की तरह काम करता है। अगर आप आर्टिकल सॉरी सेक्शन 375 ऑफ इंडियन एविडेंस इंडियन पीनल कोड जो की बात करता है रेप के बारे में, अगर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो और उसमें आप मैरिटल रेप का कंसेप्ट डिफाइन कर रहे हो तो ये केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस केस में बेसिकली था क्या कि इंडिपेंडेंट थॉट्स करके एक यहां पर एक एनजीओ है, ठीक है ना, एक तरीके से रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो एनजीओ के हेल्प के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प के लिए काम करती है, चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करती है। इन्होंने क्या बोला जब इन्होंने ये चीज देखी कि भाई जो सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पेनल कोड आईपीसी का जो सेक्शन 375 है वो ये बोलता है कि सेक्शुअल इंटरकोर्स विथ अ माइनर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इज एन पनिशेबल ऑफेंस एंड इट फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ रेप, ठीक है ना। तो अगर कोई भी बंदा
किसी भी बच्ची के साथ जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसके साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो रेप में कंसीडर किया जाएगा। अब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कंसेंशुअल हो चाहे नॉन कंसेंशुअल, उससे फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है? मतलब 18 साल से कम की उम्र की जो बच्ची है वो कंसेंट उसकी मटेरियल नहीं है, ये सेक्शन 375 बोलता है आपको, ठीक है ना। लेकिन जब उसके एक्सेप्शन 2 में देखते हैं तो एक्सेप्शन 2 उसका क्या बोलता है कि भैया जो सेक्शन 375 है वो अप्लाई नहीं होगा अगर हस्बैंड के केस में, अगर हस्बैंड जो है वो सेक्शन इंटरकोर्स करता है अपनी वाइफ के साथ जिसकी एज 18 साल से कम है और 15 साल से ज्यादा है। तो अगर उसकी वाइफ की एज जो है फॉल कर रही है बिलो द बिटवीन द 15 इयर्स टू 18 इयर्स, तो 15 से 18 साल के बीच में अगर फॉल कर रही है तो वो क्या है, वो बंदा जो है वो हस्बैंड जो है वो प्रिविलेज्ड है और वो कहीं से कहीं तक सेक्शन 375 के अंदर पेनलाइज नहीं होगा। तो इस चीज के अगेंस्ट में जाकर इंडिपेंडेंट थॉट जो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी थी उसने केस फाइल कर दिया, ठीक है ना, पिटीशन फाइल करी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 32 के अंदर। क्लियर है? गुड मॉर्निंग मयंक झा। ठीक है, तो यहां पर बोला क्या गया कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने कंटेंशन रेज किया कि सर सबसे पहली चीज कि इनकी जो एज है 15 से 18 साल, इसमें अगर हस्बैंड को ही प्रिविलेज दिया गया है, एक बंदा जो सेक्शन इंटरकोर्स करता है, सेक्सुअली हैरिस करता है, फोर्सफुल सेक्स करता है, तो उसे लायबल क्यों नहीं ठहराया गया? जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी जो लड़कियां हैं जो शादीशुदा नहीं है, जो मैरिड नहीं है, उनके पास की राइट है कि भाई अगर कोई 18 साल से कम का बंदा उनके साथ सेक्शन इंटरकोर्स करता है तो वो लायबल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? गुड मॉर्निंग आदर्शिया मंत्री, वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने क्या बोला कि सर पहली चीज तो ये डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 14 के अंडर में, ठीक है ना, कि आप कैसे जस्ट बिकॉज कि एक लड़की शादीशुदा है मतलब उसके मैरिटल स्टेटस पे आप उसे डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकते हो? एक के पास राइट है, एक के पास राइट नहीं है, एक के लिए रेमेडी है, एक के लिए रेमेडी नहीं है, तो ये एक निकल कर आया। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली कि सर ये आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 को अगर हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो ये चीज बोलता है कि भैया आप एक चीज समझो कि 15 सब क्लॉज 3 के अंदर स्टेट और सेंट्रल के पास ये पावर है कि वो वुमेन और चाइल्ड के अपलिफ्टमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए लॉज बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां तो आप डिसएडवांटेजेस पोजीशन पर भेज रहे हो लेडीज लड़कियों को। समझ में आ रहा है कि अगर उनकी एज 15 से 18 साल के बीच में है तो हस्बैंड अगर फोर्सफुल सेक्स करता है तो वो लाइबिलिटी नहीं आएगी, तो अगर आप तो आपने ये बचा रखा है। जबकि पॉक्सो एक्ट भी ये चीज बोलता है, प्रिवेंशन प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 क्या बोलता है आपसे कि भाई अगर किसी भी बच्चे के साथ बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से कम का कोई भी बच्चा हो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके साथ अगर कोई सेक्सुअली उन्हें हैरिस करता है, असॉल्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तो वो लाइबल हो जाएगी अंडर पॉक्सो एक्ट। लेकिन ये जो एक्सेप्शन है ना 375 सब क्लॉज 2, वो इन्हें पॉक्सो से ही बचा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये कंटेंशन था कि सर कैसे ये चीजें आज भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। फर्दर उन्होंने क्या बोला, सर ये आर्टिकल 21 जो डिग्निफाइड लाइफ को बताता है उसके अगेंस्ट में भी है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इन चीजों को, इसको केस को, इनकी पिटीशन जो पिटीशनर की थी कंटेंशन, उसको एनालाइज किया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई यहां पर ये जो एक्सेप्शन 2 है ये कहीं ना कहीं अगेंस्ट में जा रहा है। और इन्होंने क्या बोला कि भाई सेक्शन 375 का जो एक्सेप्शन 2 है पीसी का, उसको इन्होंने ओवररूल करा, इन्होंने स्ट्रक डाउन करा। उन्होंने बोला कि नहीं, ये आप तब मैरिटल रेप जो है या जो एक्सेप्शन 2 है इसको आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट करके। इन्होंने क्या बोला कि अगर वाइफ की एज 18 साल से कम नहीं है उसके बाद आप उसके साथ कंसेंशुअल या नॉन कंसेंशुअल सेक्स करते हो तो लायबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन 18 साल से कम है तो लायबिलिटी आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसे पॉक्सो के एम्बिट को उन्होंने जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा था वो कहीं ना कहीं एक प्रोपोर्शनलिटी यहां पर एस्टेब्लिश करी और यहां पर बोला कि नहीं भाई पॉक्सो जो है वो अप्लाई होगा। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर ये थी इस केस की रूलिंग जजमेंट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कोई इशू नहीं होंगे। और इफ यू गाइज हैविंग एनी इशू रिगार्डिंग द केस ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यू कैन गाइज सिंपली जंप ऑन द पेज ऑफ रोस्टम लीगल एंड इन द वीडियो लिस्ट यू कैन फाइंड दिस केस। आप उस केस को एक बार पढ़िए और कोई कंफ्यूजन आता है तो फिर अब मेरे से आप डायरेक्टली पूछा है, ठीक है ना। सो आज का केस है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के केस पर जंप करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को लास्ट में थोड़ी जल्दी हो जाती है भागने की, ठीक है ना यार। तो अगर देखो 5-7 मिनट ऊपर भी हो जाए ना तो थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है। तो क्योंकि ये केसेस जो है ना वो बहुत ईजिली नहीं मिलते हैं यार, ठीक है। और जिस जितनी डिटेल्ड वे में अपन डिस्कस करते हैं उतने डिटेल्ड वे में थोड़ा सा कम ही मिलते हैं केसेस देखने को। आपको बता देंगे कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, लेकिन एक कनेक्शन जनरेट नहीं हो पाता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सबका अपना अपना सोच रहा है। चलो गुड मॉर्निंग सौरभ, सौरभ श्रीवास्तव, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सो लेट्स जंप ऑन टुडेस केस विच इज केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिसाइडेड ऑन द 27th of August 2017 बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बेंच 9 जजेस बेंच थी यहां पर, समझ में आ रहा है।
ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी 9 जजेस की, समझ में आ रही है बात। सीजीआई खेहर, जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय जस्टिस खेहर थे सीजीआई, जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस जोरेंटन फाली नरीमन, आर एफ नरीमन, जस्टिस डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड, जस्टिस अभय मनोहर सप्रे, जस्टिस संजय कृष्ण कौल, जस्टिस आर के अग्रवाल एंड जस्टिस एस अब्दुल नजीर। तो ये 9 जजेस की जो बेंच थी यहां पर इस केस को डिसाइड किया था, ठीक है ना। क्यों 9 जजेस की बेंच यहां पर बनानी पड़ी, क्योंकि ये इनिशियली जब ये केस फाइल किया था तो 3 जजेस बेंच के पास ये आया था केस, उसके बाद इसको ट्रांसफर किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के तरफ जो कि 5 जजेस की बेंच थी, ठीक है, जहां पर दीपक मिश्रा जी थे, क्लियर हो रहा है। लेकिन उसके बाद उन्होंने फर्दर इसको ट्रांसफर किया 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ, क्लियर हो रहा है। क्यों किया वो अभी अपन आगे देखेंगे, क्योंकि ये भी कई बार दिमाग में चीजें चलती हैं कि यार क्या जरूरत पड़ी थी, 3 जजेस बेंच भी डिसाइड कर सकते थे। लेकिन जब आप ये पढ़ेंगे कि भाई जो खड़क सिंह केस था उसकी जो रूलिंग आई थी शायद आई थिंक वो 8 जजेस बेंच थी, तो उसको कहीं ना कहीं ओवर रूल करने के लिए 9 जजेस बेंच की रिक्वायरमेंट थी, उससे बड़ी बेंच चाहिए थी, समझ में आ रही बात। तो ये बहुत बेसिक फंडा है, अभी आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो द सुप्रीम कोर्ट, लेट्स जंप ऑन द केस। तो बेसिकली आपको पता है कि यहां पर आधार कार्ड केस भी बोला गया, क्योंकि जब आधार कार्ड जब यूआईडीएआई नंबर जो लेकर आया गया, जो 12 डिजिट का नंबर था, वहां पर ये कंटेंशन रेस किया गया कि भाई आपको अपना कार्ड जो है वो लिंक कराना है, ठीक है, केवाईसी अटैच करानी है, अपना डिटेलिंग देनी है, ठीक है, अपनी एक तरीके से नाम पता एड्रेस और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, अपने बायोमेट्रिक जिसमें आपकी थंब इंप्रेशन थे या फिंगर इंप्रेशन है और रेटिना स्कैन है। तो कहीं ना कहीं ये चीज बोली गई कि इसको जो मैंडेट किया गया है ना कि भाई आपको अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ लिंक करना है, अदरवाइज आपको जो बेनिफिट्स है ना वो एंजॉय करने को नहीं मिलेंगे। तो फिर इसके अगेंस्ट में तो जस्टिस के एस पुट्टस्वामी थे, ठीक है ना, रिटायर्ड जस्टिस जो थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने केस फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, क्लियर हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि सर ये चीज जस्टिफाइड नहीं है और ये चीज कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रही है हमारे राइट को, समझ में आ रही बात। तो इनका बोलना ये था कि भाई आर्टिकल 14 to 19 ए डी आर्टिकल 21 का ये वॉयलेशन है डायरेक्ट। तो यार तो ये आप मैंडेट नहीं कर सकते, आप किसी से उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस तरीके से नहीं मांग सकते, समझ में आ रही बात। कि आप उनसे ये बोले पड़े कि नहीं नहीं भाई आके हम तो आपकी सारी चीजें ले लेंगे। तो प्रिवेसी नाम की भी चीज होती है, तो राइट टू प्रिवेसी जो है वो आर्टिकल 17 का एक पार्ट है, ये चीज इन्होंने बोली थी सुप्रीम कोर्ट में, समझ में आ रही बात। किसने, जस्टिस के एस पुट्टास्वामी ने। तो इन्होंने ये चीज बोली कि भैया आर्टिकल 21 के अंदर आर्टिकल राइट टू प्रिवेसी है, जो कि ये बोलता है कि हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, समझ में आ रही बात। तो ये था कुल मिलाकर। तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे इसको ऑब्जर्व किया और क्या जजमेंट आया, और स्टिल उन्होंने ये चीज बोली कि नहीं आधार कार्ड को लिंक कराना पड़ेगा, समझ में आ रही बात, उसका राइट टू प्राइवेसी को भी माना। तो यहां पर दोनों ही चीजें कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया, कैसे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यहां पर किया गया, कैसे एक इंटरप्रिटेशन निकाला गया, तो उसको अपन देखेंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये जो केस है ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप लॉ के, या आप एलएलबी एलएलएम एपीएससी के भी परस्यू कर रहे हो आप, तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स जंप ऑन द केस विदाउट वेस्टिंग अनदर मिनट, ठीक है ना। तो केस क्या बोल रहा है, द सुप्रीम कोर्ट इन जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पास द हिस्टोरिक जजमेंट अफर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रिवेसी। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में, के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, एक हिस्टोरिक जजमेंट पास किया, जहां पर उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रिवेसी, जो राइट टू प्रिवेसी को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी दी गई, और यह बोला गया कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 का एक इंट्रेंसिक पार्ट, इंटीग्रल पार्ट है। इट डिक्लेयर प्राइवेसी टू बी एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच लेज डाउन ओवर फंडामेंटल राइट। तो इन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज बोली कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो इंटीग्रल कंपोनेंट है पार्ट थर्ड का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट थर्ड मतलब बेसिकली फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं यहां पर, तो पार्ट थर्ड का ये इंटीग्रल पार्ट है, विच लेज डाउन ओवर फंडामेंटल राइट्स रेंजिंग फ्रॉम राइट्स रिलेटेड टू इक्वालिटी, 14 से 18 तक इक्वालिटी जाती है, फिर फ्रीडम आ जाता है, ठीक है। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में कहीं ना कहीं जो राइट टू प्राइवेसी है ये रोल इसका है, एंड आर्टिकल 21 विच इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसमें कहीं ना कहीं प्राइवेसी जो है वो मैटर करती है, और जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक इसका इंटीग्रल पार्ट है। सो दीज फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी गिवन और टेकन अवे बाय लॉ, एंड ऑल लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन मस्ट बी अबाइड बाय देम। तो इनका बोलना ये है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो किसी भी सिचुएशन में लॉ से नहीं लिए जा सकते, इनको वापस उनको जो गवर्नमेंट है वो नहीं ले सकती, ठीक है ना। एंड जितने भी लॉज हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन हैं, जितने भी स्टैट्यूट बन रहे हैं,
रूल्स बन रहे हैं वो सब इनको ही देखते हुए बनाए जाएंगे। समझ में आ रही बात? कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस बताई है और राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में डाल दिया है। समझ आ रही बात? ये था इस केस का जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली दिया था। फर्दर द ऑनरेबल कोर्ट अपहेल्ड द आधार कार्ड एंड स्ट्रक डाउन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट व्हिच वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो जो आधार एक्ट पास हुआ था, आधार कार्ड के लिए एक आधार एक्ट पास किया गया था, समझ में आ रही बात? तो उन्होंने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि आधार एक्ट जो है उसको अपहेल्ड करा। उन्होंने बोला कि नहीं, जो आधार एक्ट है वो सही है, आधार कार्ड को आपको बैंक के साथ लिंक कराना पड़ेगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ लिंक कराना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला, एंड स्ट्रक डाउन द प्रोविजंस ऑफ एक्ट व्हिच वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो यहां पर इन्होंने क्या चीज बोली कि भाई उन प्रोविजंस को हटा दिया जाए, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट जा रहे हैं, उन प्रोविजंस को हटा दिया जाए इस एक्ट से। इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट द राइट टू प्राइवेसी ऑफ द सिटीजन हैज टू बी प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यहां पर क्या बोला इस कोर्ट ने कि राइट टू प्राइवेसी ऑफ द सिटीजन, तो मतलब जो उनके नागरिकों की जो प्राइवेसी है ना, प्राइवेसी है, वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट की जाती है, एज एन इंट्रिंसिक पार्ट माना जाता है उसको, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 एंड एज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम गारंटीड बाय द पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू फ्रीडम और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दोनों का ही एक तरीके से इंट्रिंसिक पार्ट माना जाता है, किसको, राइट टू प्राइवेसी को। द कोर्ट एक्सप्लिसिटली ओवरूल्ड द प्रीवियस लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच इज खड़क सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड एमपी शर्मा वर्सेज सतीश चंद्रा। तो इन दोनों ही सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट जो थे, खड़क सिंह का नाम बहुत सुना होगा आपने, तो खड़क सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी और एमपी शर्मा वर्सेज सतीश चंद्र का जो केस था उसको ओवरूल किया इन्होंने, क्योंकि उस केस में यह बोला गया था कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट नहीं है सिटीजन का। समझ में आ रही बात? उन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल जो राइट टू प्राइवेसी है उसका कोई जगह नहीं है फंडामेंटल राइट में। यह चीज इस केस में बोली गई थी, इसलिए अगर आपको राइट टू प्राइवेसी अप्लाई करना है तो कहीं ना कहीं इन केसेस को ओवरूल करना था, और इनको ओवरूल करने के लिए इनसे बड़ी बेंच एस्टेब्लिश करनी थी। क्लियर हो रहा है? तो ये था बेसिक फंडा। सो अगला क्वेश्चन यही आ रहा है हमारे सामने, व्हाई वाज अ 9-judge bench कॉन्स्टिट्यूटेड टू डिसाइड अपॉन द राइट टू प्राइवेसी, कि हमें क्यों 9 judges bench ही बनानी पड़ी। समझ में आ रही बात? कम में काम क्यों नहीं चल रहा था, जबकि इस केस को 3 judges bench के सामने लाया गया था, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की, फिर 5 judges bench के पास पहुंचा, फिर पहुंचा 9 judges bench के पास। समझ आ रही बात? तो क्यों ऐसा करा गया ये बार देखते हैं। द क्वेश्चन ऑफ वेदर और नॉट प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट फर्स्ट अरोज इन 2015 बिफोर अ 3-judge bench ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इनका बोलना यह है कि भाई सबसे पहले जब 3 judges bench के सामने, सुप्रीम कोर्ट के 3 judges bench के सामने एक क्वेश्चन रेज किया गया था कि भैया की जो राइट टू प्राइवेसी है क्या वो फंडामेंटल राइट होगा या नहीं होगा, तो ये सबसे पहले कंटेंशन कहां रेज किया गया था, 3 judges bench के सामने सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था अभी। कंसीडरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज टू द आधार फ्रेमवर्क, किस चीज को देखते हुए, आधार फ्रेमवर्क को देखते हुए, आधार कार्ड के प्रोविजन को देखते हुए ये पूछा गया कि क्या राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक तरीके से फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हुआ क्या था, अटॉर्नी जनरल हैड देन आर्ग्यूड दैट ऑल्दो अ नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन हैड रिकॉग्नाइज द राइट टू प्राइवेसी, पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गारंटी सच अ फंडामेंटल राइट सिंस लार्जर बेंच ऑफ द कोर्ट इन एमपी शर्मा 8 judges एंड खड़क सिंह 6 judges। तो इनका बोलना यह था कि सर बहुत सारे केसेस में हमने ये देखा है कि राइट टू प्राइवेसी को रिकॉग्नाइज किया गया है कि नहीं किया गया है। तो उन्होंने क्या रेफरेंस दिया कि भाई अगर आप देखते हैं तो पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं मानता है राइट टू प्राइवेसी को। क्यों? क्योंकि आप जो है वो 3 judges bench की बात कर रहे हो, जबकि एमपी शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ, क्या नाम था इस केस का, हाँ, वर्सेस सतीश चंद्र और खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो केस है, वहां पर ये बोला गया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। समझ में आ रही बात? तो यहां पर 8 judges की bench थी एमपी शर्मा केस में, और खड़क सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी केस में 6 judges bench थी। तो इनका बोलना यह था कि हैड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द राइट टू प्राइवेसी वॉज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड। तो यहां पर यह चीज बोली गई थी कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टेड नहीं है, मतलब उसके पास फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं डाला गया था इन केसेस में। अब यहां पर क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंटली दिस बेंच रिफर द मैटर टू 5 judges bench टू इंश्योर द इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी एंड जुडिशियल डिसिप्लिन। इसके बाद 3 judges bench ने इसको 5 judges bench के पास भेजा, जिससे कि ये इंश्योर कर सके कि इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी एंड जुडिशियल डिसिप्लिन को ये एक तरीके से इंश्योर कर सके। So thereafter, the 5 judges bench referred the constitutional question to an even larger bench of 9 judges to pronounce authoritatively on the status of the right to privacy. तो जो 5 judges bench जो थी, 5 judges bench जो थी, उसने इसको 9 judges bench के पास इसलिए रेफर किया था जिससे कि कहीं ना कहीं ये एमपी शर्मा केस को ओवररूल कर सके। समझ में आ रही बात? क्योंकि उसकी जो बेंच थी वो 8 judges की थी, तो इससे बड़ी बेंच इनको चाहिए थी उस केस को ओवररूल करने के लिए। तो बेसिक पॉइंट समझ में आया, किसी भी केस को अगर ओवर रूल करना है तो उससे बड़ी बेंच आपको देनी पड़ेगी। समझ आ रही बात? अदरवाइज वो ओवर रूल नहीं होगा।
क्लियर है ना, जजमेंट तो आ जाएगा लेकिन पुराने जजमेंट को ओवर रूल करने के लिए आपको उससे बड़ी बेंच एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। तो यहां पर इसलिए इसको 9 जजेस बेंच को दिया गया। समझ आ रही बात? तो आई थिंक ये जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो इज देयर एनी कंफ्यूजन टिल नाउ, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। इफ यू गाइज हैविंग एनी इश्यूज एट एनी पॉइंट एट एनी वर्ड इन एनी लाइन प्लीज लेट मी नो। ओके सो लेट्स जंप ऑन द फैक्ट्स ऑफ दिस केस। तो फैक्ट्स क्या बोल रहे हैं इस केस के वो देखते हैं अपन फटाफट से। यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर बीपीएल फैमिलीज। तो व्हाट इज बीपीएल स्टैंड फॉर? इट्स बिलो पॉवर्टी लाइन। तो यहां पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक यूनिक आइडेंटिटी बनाई गई किसके लिए? बीपीएल फैमिलीज के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज के लिए। जो एक वॉज अ प्रोजेक्ट विच वॉज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट इनिशिएट किया कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए बीपीएल फैमिलीज के लिए। तो जो फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन है उनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, मतलब इजीली उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और गवर्नमेंट उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर सके, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन करना था बीपीएल फैमिलीज का। ओके नसीफा, ओके आदर्शिया, ओके वुल सोल गेमिंग, ओके ओके। तो फर्दर हुआ क्या कि द क्रिएशन ऑफ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस वॉज सजेस्टेड बाय द कमिटी फॉर द सेट प्रोजेक्ट। तो इसके लिए कमिटी बनाई गई और उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि भाई यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस जो है वो किस तरीके से बनाया जाएगा, वो उस कमेटी ने उनको एक तरीके से सजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि किस तरीके से आप डेटाबेस तैयार करेंगे, कैसे लोगों को फिल्टर करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये चीजें कमेटी ने बताई, ठीक है। द प्रोजेक्ट वॉज डिसाइडेड टू बी सेट अप इन थ्री फेजेस। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो प्रोजेक्ट है वो तीन फेजेस में लॉन्च किया जाएगा। तो कि भाई पहले इस तरीके से हम लॉन्च करेंगे, पहले फिर हम इस तरीके से करेंगे, फिर हम इस तरीके से करेंगे। तो प्रोजेक्ट जो है या जो थ्री फेजेस है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ ये चीजें हुई थी, ठीक है। क्योंकि इस केस का जो जजमेंट है ना वो इंपॉर्टेंट है, आपको मिलाकर यह समझना है कि राइट टू प्राइवेसी को कैसे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड मान लिया। फर्दर इन द सेकंड पॉइंट, इन जनवरी 2009 द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया पास्ड अ नोटिफिकेशन ऑन यूआईडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो एक 2009 में जो प्लानिंग कमीशन इंडिया की, उन्होंने सर खड़क सिंह केस क्या था, खड़क सिंह केस बेसिकली केस ये था कि जहां पर आपको केवल इतना समझने की जरूरत है कि खड़क सिंह केस में राइट टू प्रिवेसी को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं माना गया। तो उन्होंने बोल दिया था कि अगर आपकी जो राइट टू प्रिवेसी है अगर वो इंफ्रिंज हो रही है तो ये आप जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकते, आप वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में उस चीज को नहीं डाल पाएंगे और फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन के लिए आप केस जो है नहीं फाइल कर सकते सुप्रीम कोर्ट में। सर हाउ डज आधार कार्ड वर्क इन हार्मिंग राइट टू प्राइवेसी? अभी आपको पता चलेगा हरगोविंद, आपको पता चलेगा कि कैसे आधार कार्ड जो है वो कैसे एक तरीके से अफेक्ट करता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में कहां पर थे हम, तो प्लानिंग कमीशन ने एक नोटिफिकेशन पास किया, ठीक है ना, किस पर, कि यूआईडीएआई की यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन पास किया। इन 2010 द नेशनल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल वॉज पास बाय कमीशन। तो कमीशन ने, प्लानिंग कमीशन ने पहले इसको नोटिफाई किया, उसके बाद जो नेशनल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल है उसको पास कर दिया। मतलब एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके यूआईडीएआई का एस्टेब्लिशमेंट होना था। तो ये एक बिल था जिसमें सारी चीजें लिखी थी कि कैसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा और किसके पास ये अथॉरिटी होगी, कैसे इन चीजों को किया जाएगा। सो वेयर दिस केस कंसीडरिंग डिसाइडिंग द जजमेंट इन दिस केस। ओके सो लेट्स फोकस ऑन दिस पॉइंट। तो यहां पर इनका बोलना यह था कि भाई नेशनल कमीशन ने एक तरीके से जो नेशनल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी बिल है उसको पास कर दिया। किसने? प्लानिंग कमीशन ने। ये बात है 2010 की। तो क्या अखिल क्या बोल रहा है कि व्हेन 8 and 6 जजेस बेंच बोथ अपेंड द सेम जजमेंट देन देयर मस्ट बी सम मेरिट्स इन देयर रीजनिंग। यार देखो मेरिट्स तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन ये जब आप खड़क सिंह केस देखोगे तो 1960s का आई थिंक ये केस बहुत पुराना केस है, वहां पर जो चीजें थी वो अलग थी। पहले यार बहुत सारी चीजों को नहीं माना जाता था, ठीक है, जो एलजीबीटी राइट्स है वो भी नहीं थे, केस तो बहुत टाइम से चल रहा था। तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि एक बार पहले अगर ये चीजें नहीं चल रही थी तो आप कैसे उन चीजों को मान सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर राइट टू प्राइवेसी उस टाइम पर चीजों को नहीं माना गया लेकिन आज उन चीजों को माना जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रीजनिंग उनकी गलत थी या उनकी सही थी, वो उस टाइम पर सही थी, आज की जो रीजनिंग है वो आज के टाइम पर सही है। तो जो आज की रिक्वायरमेंट है वो केएस पुट्टास्वामी ने आपको बताया है और उनको ओवररूल करना जरूरी था क्योंकि वो चीजें पुराने जजमेंट थे और वो अप्लाई होते चले आ रहे थे, जिससे कि फर्दर भी किसी का प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी इंफ्रिंज होता तो वो हमेशा खड़क सिंह केस का रेफरेंस देते या शर्मा केस का रेफरेंस देते। क्लियर हो रहा है यहां पर अखिल, ठीक है ना। तो मेरिट थे लेकिन उस टाइम के लिए सही थे, आज उनको ओवररूल करना जरूरी था लेकिन उसको ओवररूल करने का एक प्रोसीजर होता है जिस तरीके से उसको ओवररूल किया गया। फर्दर हुआ क्या, इन द थर्ड पॉइंट
दिस केस वॉज इनिशिएटेड थ्रू अ पिटीशन फाइल्ड बाय जस्टिस के एस पुट्टास्वामी, अ रिटायर्ड जज ऑफ कर्नाटका हाईकोर्ट। ठीक है ना, तो कर्नाटका हाई जब 2010 में ये जो बिल है वो पास किया गया, उसमें जो जस्टिस के एस पुट्टास्वामी है उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि रिटायर्ड जज थे कर्नाटका हाईकोर्ट के। ठीक है ना, तो जस्टिस के एस पुट्टास्वामी जो थे वो रिटायर्ड जज थे कर्नाटका हाईकोर्ट के, तो उन्होंने केस फाइल किया कहां पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, इन रिलेशन टू द आधार प्रोजेक्ट। तो आधार प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो पंगा हो रहा था उनका बोलना यह था कि भाई आधार में जो आप चीजें हमसे मांग रहे हो ना वो कहीं ना कहीं राइट टू प्रिवेसी के अंडर में आ रहा है और आप मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है ना, आगे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि क्यों ये चीजें बोली गई, क्यों पिटीशन फाइल की गई, क्या कंटेंशन रेस किए गए, अभी आगे कंटेंशन देखेंगे ना तो समझ आ जाएगा सब। तो इनका बोलना यह था कि भाई आधार प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्होंने एक पिटीशन फाइल कर दी, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, विच वॉज सुपरहेडेड बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, जिस जो जो कि आधार प्रोजेक्ट जो है उसको हेड कौन कर रहा था, एक तरीके से यूआईडीएआई अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रही थी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, द आधार नंबर वॉज अ 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड बाय द यूआईडीएआई टू द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आधार नंबर जो है वो बेसिकली 12 डिजिट का होता है, जो कि यूआईडीएआई जो है वो अपने रेसिडेंट्स को, मतलब इंडियन सिटीजन को अलाउ वो करती है, इशू करती है। द आधार प्रोजेक्ट वॉज लिंक्ड विद सेवरल वेलफेयर स्कीम्स। तो जो आधार प्रोजेक्ट था वो बेसिकली बहुत सारी स्कीम से अटैच था। उनका बोलना ये था कि जितने बंदे जिनको ये इशू किया जाएगा, जिनके पास ये होगा, उनको ही एक तरीके से ये वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, विद अ व्यू टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ सर्विस डिलीवरी एंड रिमूव फॉल्स बेनिफिशियरीज, जिससे कि जो डिलीवरी की जो सर्विसेज है ना कहीं उसको एक मेन लाइन में लाया जा सके, और दूसरी चीज जो गलत लोग हैं जो बेनिफिशियरी बने यहां पर बैठे हुए हैं उनको हटाया जा सके। समझ में आ रही बात, कि जैसे कि आप राशन की दुकानों पर जाएंगे तो जिनको मिलना चाहिए राशन उनको तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ कुछ लोग जबरदस्ती के राशन कार्ड बनवाए हुए हैं और वो बेनिफिट उठाए जा रहे हैं। तो इनका बोलना ये है कि भाई हम आधार कार्ड एक तरीके से लिंक करवा के उनकी रियलिटी लेकर, क्योंकि उसमें सारी चीजें लिखी होंगी कि भाई ये बंदा जो है वो किस उसका है, ठीक है ना, बीपीएल कैटेगरी का है या नहीं, उस हिसाब से चीजों को जो आइडेंटिफिकेशन है कहीं ना कहीं ये जो आधार है वो आइडेंटिफाई करेगा लोगों को कि किनको जरूरत है किसको जरूरत नहीं, उस हिसाब से जो वेलफेयर स्कीम्स है वो अप्लाई की जाएंगी। द पिटीशन फाइल्ड बाय द जस्टिस पुट्टास्वामी वॉज अ केस विच सॉट टू चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द आधार कार्ड स्कीम। तो ये जो पिटीशन फाइल की गई थी जस्टिस के एस पुट्टास्वामी द्वारा, वो क्या बात कर रही थी बेसिकली, वो ये बोल रही थी कि भाई क्या जो आधार कार्ड स्कीम है, जो आधार कार्ड आप इश्यू कर रहे हो उस सॉरी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है आधार कार्ड स्कीम की, क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से इसलिए ये पिटीशन फाइल की गई थी। ओवर द टाइम अदर पिटीशन चैलेंजिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आधार वर आल्सो रेफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट। हुआ क्या कि कुछ टाइम बाद जैसे जैसे टाइम थोड़ा सा निकल रहा था उस हिसाब से और भी जो पिटीशन है वो चैलेंज कर रहे थे लोग। ठीक है ना, पिटीशन जो है वो आ रही थी कोर्ट में कि भाई हमसे क्यों हमारी डिटेलिंग मांगी जा रही है, क्यों मैंडेट किया जा रहा है, इसको हमें नहीं करवाना है। तो कई बार लोग कंटेंशन रेस करते हैं नई नई चीजों के अगेंस्ट में, तो इन्होंने कई सारी पिटीशन आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सबको मर्ज कर दिया, सबको रेफर कर दिया कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस पुट्टास्वामी जो थे वो ऑलरेडी केस फाइल कर चुके थे आधार कार्ड स्कीम के अगेंस्ट में। तो इन सबको मर्ज कर दिया गया, सबके कंटेंशन को सुना गया। फर्दर इन द 2015 बिफोर अ 3 जजेस बेंच ऑफ द कोर्ट द नॉर्म्स फॉर एंड कंपाइलेशन ऑफ डेमोग्राफिक बायोमेट्रिक डेटा बाय द गवर्नमेंट वर क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ वायोलेशन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी। तो भाई 2015 में जो 3 जजेस बेंच जो थी सुप्रीम कोर्ट की, उनके सामने पूरी सारी चीजों को कंपाइल किया गया, पूरी चीजें बताई गई, और क्या बोला गया कि एक तरीके से जो बायोमेट्रिक डेटा आप ले रहे हो ना, थंब इंप्रेशंस, फिंगरप्रिंट, जो फिंगर इंप्रेशंस आप जो ले रहे हो, और या जो रेटिना स्कैन आप ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये वॉयलेशन है राइट टू प्राइवेसी का। समझ में आ रही बात, क्या आप इतनी डिटेलिंग हमसे नहीं ले सकते, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्ग्यूड अगेंस्ट द एक्जिस्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी बेस्ड ऑन द जजमेंट इन द खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा। तो हुआ क्या कि जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने आर्ग्यूमेंट क्या बोला, उन्होंने क्या बोला कि भैया जो फंडामेंटल राइट है ना प्रिवेसी का, जो आप बोल रहे हो कि जो राइट टू प्रिवेसी है वो फंडामेंटल राइट है ही नहीं, ठीक है, तो आप राइट टू प्रिवेसी की डिमांड कैसे कर सकते हो। उन्होंने बोला कि भाई अगर प्रिवेसी इन्फ्रिंज हो रही है तो होने दो, क्या दिक्कत है, ये कोई फंडामेंटल राइट तो है नहीं कि इसके वॉयलेशन में पंगे हो जाएंगे। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जजमेंट को रेफर किया किसके, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र केस को। अटॉर्नी जनरल जो थे जो स्टेट के व्यापार पर यहां पर डिफेंड कर रहे थे स्टेट को, यूनियन ऑफ इंडिया को, उन्होंने ये चीज बोली कि सर वॉयलेशन हो रहा है तो क्या दिक्कत है प्रिवेसी का, क्योंकि प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट तो है नहीं, क्योंकि यहां पर तो इस केस में तो खड़क सिंह और सतीश चंद्र केस में क्लियरली ये चीज बताई गई थी कि यहां पर जो राइट टू प्राइवेसी है वो इसका पार्ट नहीं है, इंटीग्रल पार्ट नहीं है। समझ में आ रही बात। सो व्हाइल एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस द
The three judges bench took note of several decisions of the Supreme Court in which the right to privacy has been held to be constitutional protected fundamental right. तो यहां पर कई सारे केसेस में ये भी बोला गया था, कई बार छोटे छोटे केसेस में, क्योंकि ये क्यों रेफर किए जाते थे, क्योंकि ये बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी और बहुत बड़ी बेंच थी, 6 जजेस की और 8 जजेस की बेंच थी, इसलिए अभी तक इनको ओवर रूल नहीं किया गया था, क्योंकि इसको ओवर रूल करने के लिए इससे बड़ी बेंच चाहिए थी। समझ में आ रही बात? तो सुप्रीम कोर्ट ने करा क्या कि और भी काफी सारे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के लिए जहां पर राइट टू प्राइवेसी को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया गया था, फंडामेंटल राइट के लिए तरीके से माना गया था, ठीक है ना, उनको सुप्रीम कोर्ट ने उन चैलेंज उन जो डिसीजन है उनको कंसीडर किया। क्लियर हो रहा है? हाउएवर दी सब्सिक्वेंट डिसीजन विच अफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट टू प्राइवेसी वर रेंडर्ड बाय बेंचेस ऑफ अ स्ट्रेंथ स्मॉलर देन दोज इन एमपी शर्मा एंड खड़क सिंह। तो मैंने आपको बताया ना कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है राइट टू प्राइवेसी, उनकी बेंच कहीं ना कहीं खड़क सिंह और एमपी शर्मा बेंच से कम होगी, इसलिए तो ओवररूल नहीं हुए वो अभी तक केस। लेकिन इस केस में ओवररूल कैसे हो गया, क्योंकि 9 जजेस बेंच बना दी गई थी, ठीक है। तो इनका बोलना ये जस्टिफिकेशन वो दे रहे हैं कि भाई नहीं तो आप ये क्वेश्चन रेज करने लगे कि सर जब पहले ही डिसीजन आ चुका था तो फिर केस पुट ऑफ केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि ये अभी तक की सबसे बड़ी बेंच है जिसने राइट टू प्राइवेसी को क्या करा है, फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में डाला, और जो बाकी केसेस हैं जो अगेंस्ट से बोल रहे हैं उनसे बड़ी बेंच है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज बताई कि यहां पर जो डिसीजन दिया गया था कि वो फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में जा रही है राइट टू प्राइवेसी, वो कहीं ना कहीं छोटी बेंचेस थी, ठीक है ना। मतलब 6 जजेस बेंच जो खड़क सिंह की थी और एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा बेंच जो कि 8 जजेस बेंच की थी, ठीक है, तो उनसे वो कहीं ना कहीं छोटी रही, इसलिए उनको केवल कंसीडर किया जा सकता है उस केस में पर्टिकुलर अप्लाई होगा। वो एक जज वो एक एक तरीके से तुम आप ये मानिए कि वो जजमेंट एक प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, एक तरीके से उसको रेफर नहीं किया जा सकता। क्लियर हो रहा है? द केस वॉज रेफर टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच टू स्क्रूटनाइज द प्रेसिडेंट लेड डाउन इन खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा एंड द करेक्टनेस ऑफ द सब्सिक्वेंट डिसीजन। तो हुआ क्या कि भैया कि इसको फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजा गया जिससे कि खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और एमपी शर्मा सतीश चंद्रा केस को की करेक्टनेस को चेक किया जा सके, इसको स्क्रूटिनाइज किया जा सके और अगर जरूरत पड़े तो उसको बदला भी जा सके। तो इस केस को 18 जुलाई 2017 में द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कंसीडर्ड इन इट अप्रोप्रिएट दैट द इशू बी रिजॉल्व बाय अ बेंच ऑफ 9 जजेस। कि भाई 9 जजेस बेंच जो है ना वो कहीं ना कहीं इस केस को इशू को रिजोल्व कर सकती है, इसलिए इस केस को 9 जजेस बेंच के पास भेज दिया गया। समझ आ रही है बात? तो फैक्ट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो प्लीज जरूर बताइए, मैं आपके डाउट्स अभी क्लियर करूंगा, ठीक है। अगर नहीं है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो इन द लेट्स जंप ऑन द इश्यूज ऑफ दिस केस। सो वेदर द आधार कार्ड प्रोजेक्ट हैज अ प्रोपेंसिटी टू क्रिएट अ सर्विलेंस स्टेट एंड इज दस अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इनका बोलना यह था कि आधार प्रोजेक्ट जो है कहीं ना कहीं क्या वो कहीं किसी भी तरीके से एक सर्विलेंस की तरह काम करेगा क्या, कि वो स्टेट जो है वो आपके ऊपर आपके गतिविधियों के ऊपर आपकी जो एक्शंस है या जो आपकी चीजें हैं पर्सनल चीजें उस पर क्या ताकझांक करने की कोशिश करेगा, एक तरीके से आपको क्या स्पाई करने की कोशिश कर रहा है, ये सर्विलांस की तरह काम करेगा, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। तो ये सबसे चीज निकल कर आई कि क्या आधार प्रोजेक्ट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ऑन द बेसिस ऑफ सर्विलेंस बाय द स्टेट, कि कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर एक नजरें बनाए हुए है, आपकी चीजों को ट्रैक कर रहा है। दूसरी चीज क्या निकल कर आई, वेदर द आधार प्रोजेक्ट वायलेट्स द राइट टू प्राइवेसी ऑफ द सिटीजन एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या ये आधार प्रोजेक्ट जो है वो राइट टू प्राइवेसी को इंफ्रिंज कर रहा है, मतलब अगर राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है इंडियन सिटीजंस के लिए अंडर फंडामेंटल राइट, तो क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब अगर कोई चीज राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है और अगर आधार प्रोजेक्ट फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। तो ये भी क्वेश्चन के सामने निकल कर आया। तो यहां पर दो इशू थे जो मेन इशू थे, बहुत सारे इशूज दिए गए थे लेकिन ये जो दो मेन इशूज हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये हैं, ठीक है ना। तो एक बार इशूज को समझ लीजिए। इफ यू गाइस हैविंग एनी प्रॉब्लम विद द इशूज प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड हां, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रहा है तो प्लीज यार वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलो शेयर और सब्सक्राइब बाद में करते हैं, लेकिन अभी लाइक कर सकते हो ना, फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है। नहीं लग रहा है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन सजेशन दे देना कि क्यों, क्या मतलब क्या कमी लग रही है आपको, क्या आपको चीजें लग रही है जो हमें और इंप्रूव करनी चाहिए, ठीक है ना। तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आज बिल्कुल। पिटिशनर ने आर्ग्यूमेंट क्या दिए यहां पर, सो पिटिशनर के आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं फटाफट। तो यहां पर बहुत बड़े बड़े नाम यहां पर जुड़े हुए हैं पिटिशनर्स के साथ, ठीक है ना। तो जो पिटिशनर है उनके लिए हिंदुस्तान के बड़े बड़े वकील लगे हुए थे। अब उनके नाम जैसे जैसे आते जाएंगे ना आपको क्लियर होता जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए ये केस जो है वो सक्सेसफुल हुआ कहीं ना कहीं पिटिशनर साइड से, क्यों, इतने बड़े बड़े नाम जब जुड़े होंगे ना तो इतने दिमाग लग रहे होंगे ना, एक वकील भारी होता है, यहां पर तो 3-3, 4-4 लगे हुए हैं, ठीक है ना। मैं नाम बताता जाऊंगा अभी आपको। सबसे पहले आ जाते हैं श्याम दीवान।
तो श्याम दिवान, वन ऑफ द रेनाउंड लॉयर ऑफ अवर कंट्री, उन्होंने क्या बोला, वॉज द फर्स्ट काउंसिल हु स्टार्टेड विद द पिटिशनर्स आर्ग्यूमेंट। तो पिटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट के साथ ओपनिंग आर्ग्यूमेंट जो दिए थे वो किसने दिए थे, श्याम दिवान जी ने दिए थे। तो इन्होंने क्या बोला, ही चैलेंज द आधार कार्ड आधार एक्ट 2016। तो इन्होंने आधार एक्ट 2016 को इन्होंने चैलेंज किया, क्या बोला, ही कंटेंडेड दैट एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट इज बाउंड टू प्रोवाइड बेनिफिट टू इट्स सिटीजंस बाय वे ऑफ सब्सिडीज एंड सर्विसेज। तो इनका बोलना यह था कि भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो स्टेट है ना, एक कंट्री जो है या जो एक स्टेट है वो क्या है, वो बाउंड है। क्या ठीक समझ में आ रही बात, ये उसकी ये मजबूरी है, ये वो बाउंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए कि वो उसको प्रोवाइड करनी है बेनिफिट्स अपने सिटीजन को, ठीक है ना, अपने नागरिकों को उन्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट्स पहुंचाना ही पहुंचाना है। क्लियर हो रहा है, बाय वे ऑफ सब्सिडीज एंड सर्विसेज, कि भाई सब्सिडी दें या सर्विसेज दें, ठीक है ना, या दोनों ही चीजें। तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, तो आप ये नहीं बोल सकते कि अरे हम तो आधार एक्ट लेकर आए हैं, अब आप ये जोड़िए हम उन्हीं को देंगे। सबके पास राइट है ना, आप ये कैसे बोल सकते हो जिसने केवल आधार आधार कार्ड जो है वो करवाया है, जिससे लिंक करवाया है उसी को देंगे, ये तो गलत हो जाएगा मामला, क्योंकि भाई राइट सबके पास, आप उनके ऊपर अननेसेसरी का ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि अपनी हाइट 6.5 फीट करो, तब जो 6.5 फीट पहुंचेगा उसको ही हम केवल वो देंगे खाने को देंगे, ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो आप उन्हें चॉइस दो, क्लियर हो रहा है। तो यहां पर क्या बोला कि भैया ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, इंडियन गवर्नमेंट की, स्टेट स्टेट की या कंट्री सेंट्रल की। द आधार एक्ट मेक्स दिस बेनिफिट कंडीशनल फॉर द सिटीजन विच द स्टेट इज बाउंड टू प्रोवाइड टू इट सिटीजन। लेकिन हो क्या रहा है कि आधार एक्ट जो है ना वो कहीं ना कहीं इसको कंडीशनल बना रहा है इन बेनिफिट्स को, कि भाई इस कंडीशन पे ही मिल पाएगा आपको। अगर आप जो आधार कार्ड है आपको इशू किया गया है, अगर आपने इसको लिंक करा दिया है तो ही आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो जो कि अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ जा रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलता है कि सबको बराबर से अधिकार है, सारे राइट सबको मिलेंगे, सबको सब्सिडी, सबको सर्विसेज दी जाएंगी। तो फिर आप ये कंडीशनल कैसे, कंडीशन कैसे बना सकते हो कि जिसके पास आधार होगा केवल उसी को हम सब्सिडी देंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। किसने बोला, श्याम दिवान जी ने बोला, फर्दर टू अवेल सच बेनिफिट द आधार एक्ट नीड द सिटीजन टू गिव देयर बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। तो इनका बोलना यह था कि भैया आधार एक्ट के हिसाब से अगर आपको ये बेनिफिट चाहिए, सब्सिडीज चाहिए, सर्विसेज चाहिए, तो आपको जो सिटीजन है कहीं ना कहीं उनको अपना बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात। तो इनका बोलना यह है कि भाई जब तक आप ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तब तक कहीं से कहीं तक आपको जो बेनिफिट्स है ना किसके, जो स्टेट जो बाउंड है देने के, वो आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। समझ में आ रही बात। ओके सो लेट्स मूव फर्दर। तो ये जो सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट वॉज चैलेंज ऑन दिस ग्राउंड बाय द श्याम दीवान। तो श्याम दीवान जो है ना, ओके तो इनका बोलना ये था कि श्याम दीवान जी ने सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट को चैलेंज कर दिया इस ग्राउंड पे कि भाई आप जो है आप ये इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, और आप ये चीज बोल रहे हो कि ये इंफॉर्मेशन जो देगा केवल उसी को ही ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जो कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन चला जा रहा है। द आधार एक्ट इनेबल्ड द गवर्नमेंट टू ट्रैक द सिटीजन विच वॉयलेट देयर राइट टू प्राइवेसी एंड हेंस वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इनका बोलना यहां पर यह था कि जो आधार एक्ट है ना वो क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट को ये राइट दे रहा है कि वो अपने सिटीजन को ट्रैक कर सके, ठीक है ना, उनकी मूवमेंट को ट्रैक कर सके, विच वॉयलेट द राइट टू प्राइवेसी, जो कि कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट में जा रहा है और जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्लियर हो रहा है। तो यहां पर इन्होंने सीधी सीधी ये चीज बोली कि जो आधार एक्ट है वो गवर्नमेंट को सर्विलांस की पावर दे रहा है, जो कि राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट में जा रहा है और जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। तो पहला जो आर्ग्यूमेंट था वो किसने दिया, ओपनिंग स्टेटमेंट किसने दिया था, यहां पर श्याम दिवान जी ने। फर्दर यहां पर कपिल सिब्बल साहब आ गए, दूसरा बड़ा नाम। वी ऑल नो दैट द कपिल सिब्बल जो है जो कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट लॉयर में से है, रेनाउंड लॉयर में से है, इंडिया के मोस्ट फेमस लॉयर में से है, ठीक है ना। और ऑल्दो ये अपने नेगेटिव कमेंट के लिए न्यूज में रहते हैं मोस्टली, ठीक है ना, लेकिन नॉलेज तो है, आप इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि नाम बिना नॉलेज के नहीं बनता है। तो आगे बढ़ते हैं, वो भी खास करके इस प्रोफेशन में जहां पर वकालत की बात की जा रही हो, ठीक है। सो कपिल सिब्बल आर्ग्यूड बिफोर द टॉप कोर्ट दैट व्हेन राइट टू प्राइवेसी वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द सिटीजन विच द एक्ट सीक्स टू रिसीव शुड नॉट बी अलाउड। तो इनका बोलना यह है कि जब राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में डाला गया है, माना गया है कि हाँ राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है बहुत सारे डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट के, तो फिर ये आप जो बोल रहे हो कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है सिटीजन की ली जा रही है इस एक्ट के अंडर में, वो तो अलाउ ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी जो है वो कहीं ना कहीं रोक देगा ना स्टेट को ये इन्फॉर्मेशन लेने से। आप जो उनका डेमोग्राफिक
इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, उनका बायोमेट्रिक ले रहा हूं, तो ये चीजें तो जस्टिफाई है ही नहीं। द एक्ट टेक्स अवे द राइट टू मेक अ चॉइस फ्रॉम द सिटीजन एज अकॉर्डिंग टू द एक्ट इट इज मैंडेटरी फॉर द सिटीजन टू रिवील द इंफॉर्मेशन टू द स्टेट। ठीक है, आप यहां पर कहीं ना कहीं जो एक अधिकार है, राइट है उनके पास, सिटीजन के पास, कि भाई उनके पास चॉइस होनी चाहिए। समझ आ रहा है कि इनमें से आपको ये चीजें देखनी है कि भाई ये करो या ये करो, लेकिन आप ये मैंडेटरी बना रहे हो कि हमें नहीं पता, आपको तो अपनी इंफॉर्मेशन देनी ही देनी है, आपको अपना बायोमेट्रिक देना है, आपको अपनी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन देनी है, दोनों चीजें ही देनी है आपको। समझ में आ रहा है, ये मैंडेटरी करके कहीं ना कहीं जो राइट ऑफ टू मेक अ चॉइस जो है वो कहीं ना कहीं इंफ्रिंज हो रहा है यहां पर, क्लियर हो रहा है। एक्ट नीड टू इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट्स एंड सब्सिडीज, तो आपको ये चीजें रिवील करनी है तभी जाकर आप जो बेनिफिट्स और सब्सिडीज हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है वो तभी आपको मिलेंगे, अदरवाइज एज विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ द सिटीजन विल बी डिनाइड टू दोज गवर्नमेंट बेनिफिशियरीज। तो इनका बोलना ये था कि आप तो ये बोल रहे हो कि अगर आपके पास आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा जिन सिटीजन के पास उनको नहीं मिलेगा, आपसे मतलब नहीं, हम आपको नहीं दे पाएंगे सब्सिडी। तो भाई ये तो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन चला गया, समझ में आ रही बात। सो आधार एक्ट टेक्स अवे द इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी फ्रॉम द सिटीजन विच हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ राइट टू प्राइवेसी, तो जो इन्फॉर्मेशन आप उनसे ले रहे हो कहीं ना कहीं ये उनकी राइट टू प्राइवेसी का जो वो है वो डायरेक्ट वॉल्यूशन है। ये चीज किसने बोली? कपिल सिब्बल साहब ने बोली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। फर्दर अरविंद दत्तर, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट लॉयर इन अवर कंट्री, अरविंद दत्तर साहब ने क्या बोला, कंटेंडेड दैट लिंकिंग ऑफ द बैंक अकाउंट विद आधार वॉयलेट द राइट ऑफ द सिटीजन, कि अगर आप बैंक अकाउंट के साथ आधार को अगर लिंक कराते हो तो कहीं ना कहीं ये सिटीजन के राइट्स को वॉयलेट कर रहा है, एज दे आर नॉट लेफ्ट विथ अ चॉइस टू ऑपरेट देयर बैंक अकाउंट विदाउट लिंकिंग इट। तो आपने उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है, ठीक है, कि आप ये उनसे बोलो कि भाई कराना हो तो कराओ, नहीं कराना तो मत कराओ, लेकिन ये आप मैंडेटरी कर रहे हो ना कि नहीं नहीं आपको ऐसा करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि आपने उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, आप बोल रहे हो कि नहीं ये तो आपको करना ही पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। और आप उनसे क्या बोल रहे हो कि बैंक अगर आपने नहीं कराया अकाउंट विदाउट लिंकिंग इट विद अ यूनिक आईडी एंड हेंस इट इज वॉलेटेबल ऑफ द आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर आप उनके सामने कोई चॉइस नहीं छोड़ रहे हो और आपने मैंडेटरी कर रहे हो उनके लिए कि नहीं आपने तो अपना वो जो है क्या बोलते हैं आधार है ना या जो यूनिक आईडी है वो तो लिंक कराना है अदरवाइज हम आपको नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट आर्टिकल 14 और 21 का वॉयलेशन है, ठीक है ना, इसलिए इन चीजों को स्टक डाउन किया जाना चाहिए। फर्दर द स्टेट डिड इवन गिव एन एक्सप्लेनेशन टू द सिटीजन फॉर लिंकिंग देयर बैंक अकाउंट विद आधार, या आप जब कोई भी डिसीजन लेते हो ऐसा जो कि मैंडेट होता है उसमें आप कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन देते हो कि हम इस वजह से ऐसा कर रहे हैं, आपने वो भी नहीं दिया, आपने तो केवल उठा के भाई ये कोई वो थोड़ी चल रही है, डिक्टेटरशिप थोड़ी है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं आप ऐसा होगा, अब ये करना पड़ेगा आपको, हमें नहीं पता है। समझ में आ रही बात, तो ये डिक्टेटरशिप नहीं है, डेमोक्रेसी है, यहां पर आपको चीजों को समझाना पड़ता है, लोगों के हिसाब से चीजें करनी पड़ती है, आप कुछ भी चीजें नहीं करने लग जाओगे। समझ में आ रही बात, तो इन्होंने क्या बोला कि फर्दर द स्टेट डिड इवन गिव एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, वो दे सकते थे, अ रीजन टू डू सो वॉज नीडेड टू बी गिवन बाय द स्टेट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट एंड द स्टेट इंटेंट टू अचीव बाई डूइंग सो। इनका बोलना यह था कि भाई अगर आपको अपना ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन करना है ना तो उसके लिए आपको एक रीजन देना चाहिए था, ठीक है, जिससे आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो एम है इसको बनाने के पीछे, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो पॉलिसी है वो लेकर आने के पीछे, आधार एक्ट पास करने के पीछे जो आपका एम और ऑब्जेक्टिव था वो आपने समझाया नहीं लोगों को, जिससे कि आपकी आधी ज्यादा प्रॉब्लम तो यही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। समझ में आ रही, और ये उनको करना चाहिए था, अगर आपको ये वाकई में सक्सेसफुल बनाना था तो आपको ये चीजें करनी चाहिए, आपने करी नहीं यार। ये अरविंद दत्ता साहब ने बोला, द राइट टू मेक अ चॉइस इज अ राइट दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट, तो राइट टू मेक अ चॉइस कि भाई हमारे पास अधिकार है कि हम हमारे पास राइट है चॉइस चूज करने का। समझ में आ रही बात कि ये चीज सही है, ये चीज सही है, अपने हिसाब से आप चीजों को चूज करिए। ये इन्होंने बोला कि अगर आप इसको तो सुप्रीम जो फंडामेंटल राइट है वो भी रिकॉग्नाइज करता है ना राइट टू चॉइस को, ठीक है ना, राइट टू मेक अ चॉइस जो है वो फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में जाता है अंडर द राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी के अंडर ही राइट टू मेक अ चॉइस भी आता है। समझ में आ रही बात, तो कहीं ना कहीं आपने उन्हें कोई चॉइस नहीं दी इस वजह से वो भी एक फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है। तो आधार एक्ट टेक्स अवे द राइट टू मेक अ चॉइस बाय द सिटीजन एंड दस वॉयलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन अंडर आर्टिकल 21, तो राइट टू मेक अ चॉइस आपने नहीं दिया जिस वजह से आर्टिकल 21 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो वॉयलेट हुआ। अच्छा मैं आपको बता दूं, यहां पर मैंने तीन ही लोगों के आर्ग्यूमेंट डाले हैं बेसिकली, यहां पर पी चिदम्बरम साहब का भी आर्ग्यूमेंट था, उन्होंने भी यहां पर काफी चीजें बोली थी, और पी चिदम्बरम साहब को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ही रिनाउंड लॉयर है, उन्होंने भी अपना इनपुट दिया था। अब समझिए कि एक तरफ से इतने सारे नाम जुड़े हुए हैं तो फिर ये इस केस को किस तरह डायरेक्शन में जाना चाहिए था वो हमको सबको समझ में आता है। जब वो ये ना कि अगर आप किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो ना तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है, ठीक है, तो अब हाँ ये होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो आपको चीजों से जुड़ा रहना चाहिए, ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। तो रिस्पॉन्डेंट ने यहां पर क्या बोला, तो रिस्पॉन्डेंट ने यहां पर बोला, तो यूनियन ऑफ इंडिया आर्ग्यूड दैट देयर इंटेंशन बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग द एक्ट वाज टू इंश्योर दैट ऑल द सिटीजन हु आर एलिजिबल फॉर द बेनिफिट एंड सब्सिडीज बाय द गवर्नमेंट रिसीव सच बेनिफिट एंड सब्सिडीज एंड आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ इट। तो यहां पर इनका बोलना क्या था यूनियन ऑफ इंडिया का, इन्होंने जब आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किए सुप्रीम कोर्ट के सामने, इन्होंने बोला कि सर हमारा जो इंटेंशन है ना इस एक्ट को लाने का, आधार एक्ट को लाने का, वो ये है कि हम ये इंश्योर कर सकें कि वो सिटीजन्स जो जिन्हें वाकई में जरूरत है, जो डिप्राइव्ड हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं वाकई में अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, जिन्हें वो सब्सिडीज की जरूरत है, उन्हें वो बेनिफिट मिल पाए। समझ में आ रही बात, उनको उनका उनको आइडेंटिफाई करना, उनको निकाल के लाना कि हाँ भाई ये बंदे हैं जिनको जरूरत है, हमने ये इसलिए किया था। समझ में आ रहा है, बाय द गवर्नमेंट रिसीव सच बेनिफिट्स एंड सब्सिडीज एंड आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ इट, और जिससे कि कोई छूटा ना रह जाए, जिनको वाकई में जरूरत है उनको ये चीजें प्रोवाइड करवाई जाए। क्लियर हो रहा है। फर्दर द रिस्पॉन्डेंट फर्दर सेड दैट द आधार कार्ड डज नॉट आस्क फॉर एनी इन्फॉर्मेशन विच कैन वॉरंट पर्सन्स राइट टू प्रिवेसी। तो यहां पर जो हमारे क्या नाम अटॉर्नी जनरल, उन्होंने क्या बोला कि भाई पहली चीज तो ये कि जो आधार एक्ट है ना, वो कोई भी इंफॉर्मेशन के बारे में आपसे ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मांगता है जो आपकी राइट टू प्रिवेसी को इन्फ्रिंज कर दे। ठीक है ना, आपसे बहुत जनरल इंफॉर्मेशन ली जा रही है और उसमें भी अगर आपकी राइट टू इन्फॉर्मेशन इन्फ्रिंज हो रही है तो वो जस्टिफाइड नहीं है। इनका बोलना क्या था कि जो एक्ट है, आधार एक्ट है, वो आपसे क्या मांग रहा है, द एक्ट वेली आस्क फॉर एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सिटीजन विच कैन एनेबल स्टेट सर्विलांस ऑन देम। इनका बोलना ये है कि आपसे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांगी नहीं जा रही जिससे आपके ऊपर सर्विलांस डाला जा सके, यार आपको ट्रैक किया जा सके। आप इस चीज को समझिए तो थोड़ा सा, समझ में आ रही बात कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है यार, कोई राइट वॉलेट नहीं हो रहा है आपको। इन्होंने क्या बोला, द रिस्पॉन्डेंट फर्दर स्टेटेड दैट द डेमोग्राफी इन्फॉर्मेशन विच द एक्ट सीक्स टू आस्क फ्रॉम द सिटीजन। अब डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब ये देखिए रिस्पॉन्डेंट ने बोला आपसे, मैं बताता हूं कि डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन में आपसे क्या मांगा जा रहा है। आपसे आपका नाम मांगा जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ मांगी जा रही है, जेंडर मांगा जा रहा है, एड्रेस मांगा जा रहा है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मांगा जा रहा है। ठीक है, उसमें भी इन्होंने क्या बोला कि जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है वो ऑप्शनल है, आपको देना हो तो नहीं देना मत तो कोई दिक्कत नहीं है। वो इसलिए है कि जब वेरिफिकेशन के लिए मेल आएगा या ओटीपी आएगा तो आप उसको वेरीफाई कर पाए, इसलिए उन्होंने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाला है कि भाई आप चाहो तो इसको ऐड करो, नहीं चाहो तो मत करो। ठीक है, तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस मांग लेने से कौन सी राइट टू प्राइवेसी आपकी इंफ्रिंज हो जाती है, मैं ये समझाऊं बस। चलो, क्योंकि जब आप वो बनवाने जाते हो, क्या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हो या वोटर कार्ड बनवाने जाते हो, तो वहां भी तो ये इन्फॉर्मेशन देते ही हो ना यार, क्या आप खाता खुलवाते हो, कुछ भी चीजें करते हो, डेट ऑफ बर्थ आपको बतानी पड़ती है, नाम बताना पड़ता है आपको, अपना जेंडर बताना पड़ता है आपको, एड्रेस बताना पड़ता है, ये तो बहुत बेसिक चीज है, सबको बताना पड़ेगा। आप स्कूल में एडमिशन लेने भी जाते हो तो भी ये चीजें बतानी पड़ती है आपको, तो आपकी राइट टू प्राइवेसी कैसे इंफ्रिंज हो गई यहाँ पर। ठीक है ना, तो इनका बोलना ये था, हाँ ठीक है, एंड नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ट्रांसमिटिंग, वो मैंने आपको बता दिया कि मोबाइल नंबर और एड्रेस क्यों चाहिए होता है। ठीक है, ईमेल एड्रेस, द इन्फॉर्मेशन विच एक्ट सीक्स टू रिसीव फ्रॉम द सिटीजन इज इन पब्लिक डोमेन। ठीक है, वो पब्लिक डोमेन में है ना यार, जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहे हैं वो जनरल है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर आप तो राइट टू प्राइवेसी को हमारे इन्फ्रिंज कर रहे हो। फर्दर रिस्पॉन्डेंट ने क्या बोला, दैट द एक्ट अंडर सेक्शन 2 के स्पेसिफिकली प्रोवाइड दैट द रेगुलेशन कैन नॉट आस्क फॉर द इन्फॉर्मेशन लाइक रेस, रिलीजन, कास्ट, ट्राइब, एथनिसिटी, लैंग्वेज, इनकम, रिकॉर्ड ऑफ एंटाइटलमेंट और मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द सिटीजन, एंड हेंस एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी आस्क फ्रॉम द सिटीजन थ्रू दिस एक्ट। तो इनका बोलना यह है कि भैया आपसे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जा रही जो कि रेस, रिलीजन, कास्ट, ट्राइब, एथनिसिटी, लैंग्वेज, इनकम, रिकॉर्ड ऑफ एंटाइटलमेंट या मेडिकल हिस्ट्री के बारे में आपसे पूछ रही हो। ठीक है ना, कोई भी ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ना तो मांगी गई है ना मांगी जा सकती है आपसे। ठीक है, मांगी नहीं जा सकती, अथॉरिटी नहीं है आधार एक्ट के अंडर में, तो ये चीज बोली रिस्पॉन्डेंट ने। ठीक है ना, इन द लाइट ऑफ द सेक्शन स्टेटेड अबव द स्कोप ऑफ ऑब्टेनिंग एनी एडिशनल डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन इज वेरी लिमिटेड एंड इवन बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन विच एक्ट सीक्स टू ऑब्टेन फ्रॉम द सिटीजन लिमिटेड टू द फिंगरप्रिंट एंड आयरिस स्कैन। तो इनका बोलना यह है कि आपसे कोई भी एडिशनल डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन मांगने की जो सिचुएशन है बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड आपसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है। दूसरी चीज कि जो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है तो उसमें केवल आपका फिंगरप्रिंट और आई रेटिना स्कैन है और कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही बात, द स्पेसिफिक एक्सक्लूजन इन द कॉन्टेक्स्ट इंश्योर्स दैट द स्कोप ऑफ इंक्लूडिंग एडिशनल डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन इज वेरी नैरो एंड लिमिटेड। तो इनका बोलना यह है कि इसमें कुछ और एड किया जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत लो है, तो आप टेंशन मत लीजिए, जितनी चीजें वही रहेंगी, इसमें कुछ और एड नहीं किया जा सकता। ठीक है, सच बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इज वेरी कॉमनली ऑब्टेन्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अ पर्सन। और ये जो इन्फॉर्मेशन आपसे ली जा रही है ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, हर कंट्री में इस तरीके की जो आपका फिंगरप्रिंट है या आपका जो आई स्कैन है, रेटिना स्कैन है, वो बहुत कॉमनली चीज है, कॉमन चीज है जो यहां पर बेसिकली एक बंदे की आइडेंटिफाई जो है, एक बंदे को आइडेंटिफाई करने के लिए ली जाती है। ठीक है ना, तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, इसमें कोई राइट टू प्राइवेसी आपकी इंफ्रिंज नहीं हो रही है।
The argument of the respondent was thus that the information which Aadhaar card seeks to obtain is non-invasive, non-intrusive identity information. तो इनका बोलना यह है कि रिस्पॉन्डेंट का भैया आपसे जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है आधार एक्ट में वो कहीं से कहीं तक आपकी राइट टू प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं कर रही, आपको परेशान नहीं कर रही, समझ में आ रही बात? ओके, सो लेट्स जंप ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन। और हाँ, बिफोर जंपिंग ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज लाइक करो, फटाफट लाइक करो यार, ठीक है? इस केस को पढ़ने में ना यार, कल लिटरली बता रहा हूं, इतना बड़ा केस है ये कि इन केसेस को फिल्टर करना वाकई में यार सीरियसली बता रहा हूं, कॉलेज टाइम में था ना तो इतनी मेहनत कौन नहीं करता था, कोई नहीं करता था, लेकिन ठीक है आप लोगों के लिए इतना चलता है तो आप लोग बस आप एप्रिसिएशन इसी तरीके से दे सकते हैं, लाइक कर दीजिए, दैट इज इट, उतना ही चाहिए हमें। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन क्या बोल रहा है। द सुप्रीम कोर्ट थ्रू सिक्स सेपरेट ओपिनियंस प्रोनाउंस प्राइवेसी टू बी डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट की जो 9 जजेस बेंच थी उसमें से 6 अलग अलग ओपिनियन आए थे, समझ में आ रहा है, अलग अलग ओपिनियन दिए थे कोर्ट जजेस ने, यही होता है ज्यादा बड़ी बेंच बना लो अलग लेथन चलते हैं इनके। 13 जजेस की बेंच बनाई थी ना उसमें केशवानंद भारती में, 6 अलग भागे थे, 7 अलग भागे थे, ठीक है, और जो 7 एक तरफ भागे थे ना वो भी अलग अलग चीजें बता रहे थे, ऑल्दो एक कॉन्करिंग जजमेंट दिया था, मतलब उनकी जो रीजनिंग थी वो अलग अलग थी लेकिन वो एक ही पॉइंट पर पहुंच रहे थे, ठीक है ना, उसको कॉन्करिंग जजमेंट बोलते हैं, कॉन्करिंग ओपिनियन बोलते हैं। तो यहां पर हुआ क्या कि उन्होंने ये बोला कि भैया जो प्रोनाउंस प्राइवेसी टू बी डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने बोला कि भाई जो आर्टिकल जो राइट टू प्राइवेसी है वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 का एक इंडिपेंडेंट और फंडामेंटल राइट की तरह एक पार्ट है, और इसकी तरह एक जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट बताया गया राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 का, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, 9 जजेस बेंच थी, उनके अलग अलग 6 लोगों के अलग अलग ओपिनियन थे, क्यों था, क्योंकि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने और 3 लोगों के बिहाव पर एक ही ओपिनियन दिया था, यहां पर आपको पता चल जाएगा, इसलिए इनको 6 सेपरेट ओपिनियन बोला गया है, ठीक है। तो जस्टिस खेहर, 2 जजेस और थे जिनके बिहाव पर उन्होंने एक ही ओपिनियन फॉर्म किया था, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने, ठीक है ना, और बाकी लोगों ने अपने अपने अलग ओपिनियन फॉर्म किए थे। द क्रक्स ऑफ द डिसीजन स्पेल्ड आउट एन एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी, इट वॉज नॉट अ नैरो राइट अगेंस्ट फिजिकल इन्वेजन और डेरिवेटिव राइट्स अंडर आर्टिकल 21। इनका बोलना यह था कि ये जो क्रक्स अगर हम देखें डिसीजन का कि भाई डिसीजन ने क्या बताया है आपको, तो उनका बोलना यह है कि ये जो इसका इंटरप्रिटेशन है ना राइट टू प्राइवेसी का, उसमें इन्होंने क्या बोला है कि इट वॉज नॉट अ नैरो राइट, ये कोई छोटा छोटी मोटी चीज नहीं है राइट टू प्राइवेसी, ये बहुत ही बड़ी चीज है, ठीक है ना, अगेंस्ट द फिजिकल इन्वेजन, तो फिजिकल इन्वेजन के लिए ये बहुत कोई छोटी चीज नहीं है, और अ डेरिवेटिव राइट अंडर आर्टिकल 21 बट वन दैट कवर द बॉडी एंड द माइंड। तो आप केवल फिजिकल इंटरफेरेंस नहीं बोल सकते कि आपके कोई घर में घुस गया या आपके ऊपर आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांग ली तो ये राइट टू प्राइवेसी में चला जाए, तो राइट टू प्राइवेसी को उन्होंने बहुत ही वास्ट तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इनका बोलना ये है कि भाई जैसे लड़कियों की अगर हम बात करें तो चॉइस ऑफ जो उनकी रिप्रोडक्टिव चॉइस है वो भी राइट टू प्राइवेसी के अंडर में आता है, राइट टू चूज देयर पार्टनर वो भी राइट टू प्राइवेसी के अंडर में आता है, तो ये सारी चीजें, तो ये जो इंटरप्रिटेशन है ना वो कोर्ट ने दिया था यहां पर, ठीक है। तो इनका बोलना ये था कि कवर द बॉडी एंड द माइंड इंक्लूडिंग डिसीजन चॉइसेस इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम, ये सारी चीजें राइट टू प्राइवेसी के अंदर में आती हैं, समझ में आ रही बात। तो उनका बोलना ये था केवल छोटी सी टर्म नहीं है राइट टू प्राइवेसी, ये बहुत बड़ी चीज है, क्लियर हो रहा है। सो प्राइवेसी वॉज हेल्ड टू बी एन ओवर आर्किंग राइट ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज एनफोर्सिबल एंड मल्टीफेसेटेड। तो इनका बोलना ये है कि भाई पार्ट 3 में बहुत सारे से राइट्स हैं जहां पर जो प्राइवेसी है वो कहीं ना कहीं जिसका इन्फ्लुएंस दिखता है, जो फ्रीडम जैसे उन्होंने बताया ना, फ्रीडम चॉइसेस इंफॉर्मेशन इक्वालिटी हर जगह पर राइट टू प्राइवेसी जो है वो आ जाती है, तो ये किसी एक पर्टिकुलर चीज में नहीं रहती है, ये पूरे पार्ट 3 के ऊपर कहीं ना कहीं फैली हुई है। द डिटेल रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ द राइट्स वर डिस्कस्ड इन द मल्टीपल ओपिनियंस, तो कई सारे ओपिनियंस में इनका जो डिटेल्स है कि क्या है क्या आपका राइट टू प्राइवेसी वो आपको डिस्कस किया गया था, ठीक है ना। द टॉप कोर्ट ऑब्जर्व दैट प्राइवेसी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेसी है एक एट्रीब्यूट है ह्यूमन डिग्निटी, तो ह्यूमन की जो डिग्निफाइड लाइफ है उसको कहीं ना कहीं बताती है, समझ में आ रही, प्राइवेसी जो है। द राइट टू प्राइवेसी सेफगार्ड्स वंस फ्रीडम टू मेक पर्सनल चॉइस, तो कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी आपको आपकी फ्रीडम, आपकी कहीं ना कहीं जो एक आजादी है ना उसमें आपको आजादी प्रोवाइड कराता है कि आप अपनी चॉइसेस जो है ना उसको कर सकते हो, आपको आप आजाद हो कि आपके आप फुल्ली इंडिपेंडेंट हो, आप ये बोल सकते हो हाँ ये चीज मुझे अपने हिसाब से करनी है, ये सब आपकी राइट टू प्राइवेसी के अंडर में आता है कि मुझे इससे शादी करनी है, मुझे अब बच्चा पैदा करना है या नहीं करना है, मुझे किसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, ये सब राइट टू प्राइवेसी के अंडर में आता है, समझ में आ रही बात। मुझे क्या खाना है, मुझे कहां जाना है, ये सब राइट टू प्राइवेसी के अंडर में आता है।
एंड कंट्रोल सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ, कि जो राइट टू प्रिवेसी है कहीं ना कहीं पर्सनल चॉइसेस में हेल्प करता है बनाने में, और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने में भी हेल्प करता है राइट टू प्रिवेसी, ठीक है ना। सो इन एडिशन इट नोटेड दैट पर्सनल इंटीमेसीज, जैसे पर्सनल इंटीमेसीज आ जाती है जैसे पर्सनल राइट टू प्रिवेसी में, जैसे मैरिज, प्रोक्रिएशन, फैमिली, इन चीजों में जो इंटीमेसी की बात अगर आप करते हो तो ये भी पर्सनल चॉइसेस में आ जाता है, इंक्लूडिंग सेक्सुअल ऑरियंटेशन एट द कोर ऑफ वन इंडिविजुअल डिग्निटी। तो सीधी सी बात है कि सेक्सुअल ऑरियंटेशन जो है वो भी एक इंडिविजुअल की जो कोर है, इंडिविजुअल की एक डिग्निटी का जो डिग्निफाइड लाइफ का जो कोर है वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल ऑरियंटेशन है। फर्दर द कोर डिस्क्राइब डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ऑरियंटेशन एज डीपली ऑफेंसिव टू डिग्निटी एंड सेल्फ वर्थ। तो फर्दर क्या बोला कोर्ट ने कि भैया अगर आपके सेक्सुअल ऑरियंटेशन के बेसिस पर आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ना, तो कहीं ना कहीं ये ऑफेंसिव होगा और आपकी डिग्निटी के और सेल्फ वर्थ के, ठीक है ना। सो इट नोटेड दैट द राइट टू प्राइवेसी वाज एट द इंटरसेक्शन ऑफ आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 21। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां ये टकराते हैं, वहां पर राइट टू प्राइवेसी बैठा हुआ है, दोनों को मैनेज कर रहा है कहीं ना कहीं। समझ में आ रहा है? डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होने देगा, राइट टू लाइफ इज पर्सनल लिबर्टी भी देगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रही ना? पॉइंट नंबर सेकंड। सो लेट्स जंप ऑन द पॉइंट नंबर थर्ड। द सुप्रीम कोर्ट फर्दर ऑब्जर्व दैट राइट टू प्राइवेसी इज अ प्राइमरी सुप्रीमरीली डायरेक्ट फ्रॉम आर्टिकल 21। तो इनका बोलना ये है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि जो राइट टू प्राइवेसी है ना वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 से ही डायरेव किया गया, वहीं से निकाला गया। जब बात डिग्निफाइड लाइफ की आती है ना, डिग्निटी की आती है, लिबर्टी की आती है, तब कहीं ना कहीं प्राइवेसी जो आपकी जो प्राइवेसी है वो कहीं ना कहीं स्टैंड करती है। समझ आ रही बात? हाउएवर इट आल्सो सप्लीमेंटेड बाय द वैल्यूज इनश्राइंड इन अवर फंडामेंटल राइट्स, देयरफॉर इट एडवोकेटेड फॉर अ होलिस्टिक व्यू ऑफ फंडामेंटल राइट्स। समझ आ रही बात? सो ये कहीं ना कहीं इट इज ऑल्सो सप्लीमेंटेड बाय द वैल्यूज इनश्राइंड इन अदर फंडामेंटल राइट्स। तो जो और भी फंडामेंटल राइट्स है उनसे भी मिलकर ये कहीं ना कहीं बनी हुई है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे कि आपने सपने गणेश जी के बारे में पता होगा, गणेश जी जो थे वो कहीं ना कहीं हमारी पार्वती जो जी जो है उन्होंने अपने उपटन से उनको बनाया था, उन्होंने एक पुतला बनाया जिसमें बाद में जान फूकी गई और वो उन्होंने एक इंसान का शेप ले लिया, ठीक है ना। एक और उनके अंदर क्योंकि वो देवी पार्वती जी के उपटन से बने थे तो कहीं ना कहीं उनके पावर तो उनके अंदर थी, लेकिन जब उनका जो सर है वो काटा गया, कि इन्होंने काटा था, खुद शिवजी नहीं त्रिशूल मारा था, तो उसके बाद उनको जो पावर दी गई ना, कुल मिलाकर वो बने कहां से थे? पार्वती जी से ही बने थे, लेकिन जब उनका सर काटकर दोबारा धड़ से जोड़ा गया ना, एक हाथी के बच्चे का सर जब जोड़ा गया, तब उनको सारे देवी देवताओं ने ब्लेस किया था अपनी पावर से। तो कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि निकले वो जरूर पार्वती जी से थे, बने उनसे ही थे, लेकिन उनके अंदर अब जो है वो उनको एंश्राइन किया गया था अलग अलग देवी देवताओं ने। तो ये हम पर यही चीज बोली जा रही थी, राइट टू प्राइवेसी है वो निकला तो आर्टिकल 21 से, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी इसकी जो वैल्यू है वो बहुत सारे फंडामेंटल और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्होंने इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया। तो देयरफॉर इट एडवोकेटेड फॉर अ होलिस्टिक व्यू ऑफ फंडामेंटल राइट। तो कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट के लिए एक होलिस्टिक व्यू की तरह काम करता है, उनकी वकालत करता है। समझ में आ रही बात? तो ये एग्जाम्पल समझ आया जो मैंने अभी आपको दिया था, ठीक है ना, बहुत जनरल था, आपको समझाने के लिए था केवल, ठीक है। सो लेट्स जंप ऑन द पॉइंट नंबर फोर्थ। इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू गाइस हैविंग एनी इश्यूज, इफ नॉट देन इट्स ओके, जरूरत नहीं है डिस्कस करने की। ओके, सो लेट्स जंप ऑन द पॉइंट नंबर फोर्थ। द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट सिमिलर टू द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी द राइट टू प्राइवेसी मे बी लिमिटेड बाय अ प्रोसीजर सेट बाय द लॉ। तो इनका बोलना यह है कि भैया राइट टू लाइफ को भी के ऊपर रिजनेबल सेक्शन रखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया अधिकार है आपके पास, नो डाउट, अभी तक हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, अब बात बहुत कायदे की सुनो, तो जो राइट टू प्राइवेसी है ना उस पर भी रिजनेबल सेक्शन लगेंगे, जो एस्टेब्लिश प्रोसीजर है बाय लॉ, अगर जो प्रोसीजर लगाया गया उसमें राइट टू प्राइवेसी जो है वो बिल्कुल लगेंगे। अगर बात आएगी नेशनल सिक्योरिटी की, नेशनल थ्रेट की, तो बिल्कुल आपका पर्सनल अकाउंट खोलकर देखा जाएगा यार, उसमें आप नहीं रोक सकते, आप वहां पर राइट टू प्राइवेसी नहीं चिल्ला सकते। समझ में आ रही बात? अगर उन्हें लगेगा कि भाई आप जो है वो कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व है किसी और चीज में, तो आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी खोलकर देखा जाएगा, सब चीजें खोलकर देखा जाएंगी, फिर राइट टू प्राइवेसी स्टैंड नहीं करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। समझ में आ रही बात? द इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी मस्ट बी थ्रू अ फेयर, रीजनेबल एंड जस्ट प्रोसीजर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर आपकी प्राइवेसी में इन्वेजन किया जाएगा, अगर उसको इन्वेड किया जाएगा, उसमें इंटरफेयर किया जाएगा, तो वो कायदे से रीजनेबल तरीके से और एक प्रोसीजर के तहत ही किया जाएगा। द इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी मस्ट बी अ फेयर, रीजनेबल एंड जस्ट प्रोसीजर। समझ आ रही बात? सो इट मस्ट मीट द थ्री कंडीशंस ऑफ लीगैलिटी। तो लीगैलिटी की तीन कंडीशंस को उन्हें मीट करना चाहिए। कौन कौन सी? द एग्जिस्टेंस ऑफ लेजिटिमेट एम, ठीक है, लीगैलिटी हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ लेजिटिमेट एम हो गया, स्टेट एम हो गया, एंड प्रोपोर्शनैलिटी हो गया। तीन चीजों को आपको फॉलो करना है, तब जाकर आप किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर कर पाओगे। लेजिटिमेट स्टेट एम वुड इंक्लूड
नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, तो जो लेजिटिमेट स्टेट एम के मतलब किस कारण से आपने, जो आपका जायज कारण क्या है, उसमें क्या क्या आ सकता है, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न कि भाई नेशनल सिक्योरिटी जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, प्रिवेंटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम कि भाई किसी भी क्राइम को रोकना है या इन्वेस्टिगेट करना है कि भाई आपसे बोला गया इनके मोबाइल की जरा डिटेल निकालिए, जरा रिकॉर्डिंग वो निकालिए कि ये किस किस को इन्होंने कॉल किया था, ये तो राइट टू प्राइवेसी का इंफ्रिंजमेंट है, लेकिन अगर किसी भी काम किसी भी क्राइम को रोकना है या उसको इन्वेस्टिगेट करना है तो वहां पर ये किया जा सकता है। प्रिवेंटिंग द डिसिपेशन ऑफ सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स, तो भैया सोशल वेलफेयर बेनिफिट के लिए उसको रोकने के लिए ये चीजें बिल्कुल की जा सकती हैं। क्लियर हो रहा है? सो लेट्स जंप ऑन द जजमेंट ऑफ दिस केस। सो बिफोर जजमेंट, वीडियो लाइक कर रही है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो जजमेंट में क्या बोला गया, द नाइन जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नाइन जजेस बेंच स्टार्टिंग में लिखी हुई है कि नौ जजेस कौन कौन से थे, ठीक है ना, ऊपर देख लेना है। आज नीचे एक बार अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस जज ने क्या बोला था, फटाफट से करेंगे डिस्कस, ठीक है ना। अब आर्टी में 5 से 7 मिनट और लूंगा आपके, फिर केस केस पुट्टोस्वामी जैसा लैंडमार्क केस कवर हो जाएगा यार 1 घंटे में, समझ में आ रही बात, तो आगे देखते हैं। तो नाइन जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू प्राइवेसी एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 20 सुप्रीम कोर्ट नाइन जजेस बेंच ने बहुत क्लियरली ये चीज बोल दी कि सुनो, जो राइट टू प्राइवेसी है ना वो राइट टू लाइफ का एक इंट्रिंसिक पार्ट है। तो इस हिसाब से जो खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा जो है वो इन सो फार एज द लेटर डिड नॉट एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज द राइट टू प्राइवेसी जो है उसको कोर्ट ने ओवररूल कर दिया, बनाया इसलिए गया था नौ जजेस बेंच का कि भैया अगर आपको लगता है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो इंटीग्रल पार्ट है तो आप इसको ओवररूल कर देना, क्योंकि नौ जजेस बेंच हो, आप इनसे बड़े हो तो आप कर सकते हो। तो यहां पर फाइनली खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और एमपी शर्मा को ओवररूल कर दिया गया। समझ में आ रही बात, पहले पॉइंट में क्लियर हो गया। आगे, द राइट टू प्राइवेसी वॉज री इन्फोर्स बाय द कॉन्करिंग ओपिनियन ऑफ द जजेस इन विच इन द केस विच रिकॉग्नाइज दैट राइट, दिस राइट इंक्लूड्स ऑटोनॉमी ओवर पर्सनल डिसीजंस, ठीक है, एग्जाम्पल कंजम्पशन ऑफ बीफ, बॉडली इंटीग्रिटी, रिप्रोडक्टिव राइट्स एज वेल एज द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्करिंग ओपिनियन और सारे कई सारे जजेस ने, उनका मेनली बोलना ये था कि राइट टू प्राइवेसी है, लेकिन उनकी जो रीजनिंग थी वो अलग थी। तो उन्होंने कई सारी चीजें उन्होंने यहां पर बताई, कई सारे जजेस ने, तो जितने भी यहां पर थे उनके ओपिनियंस जो है उन्होंने ये चीज बताई कि भाई पर्सनल चॉइस में क्या क्या आ जाएगा। जैसे आप अगर आप बीफ, इंडिया में बीफ बैन है भाई, लेकिन आप अगर बीफ कंज्यूम करना चाहते हो तो आपका पर्सनल डिसीजन है। बॉडली इंटीग्रिटी जो है, रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेकर जो है कि भाई आपको कब बच्चा पैदा करना है, फीमेल ये डिसाइड करेगी, उसकी जो रिप्रोडक्टिव चॉइस है ना वो बहुत बेटर करेगी। एज वेल एज द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एग्जाम्पल प्राइवेसी ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड कि भाई अगर किसी बंदे को मान लीजिए एचआईवी है, एचआईवी पॉजिटिव है बंदा, ठीक है ना, या उसको मान लीजिए कैंसर है या कुछ भी ऐसी चीज है जिससे कि पैनिक क्रिएट हो सकता है, तो ये उसका अधिकार है कि उसकी चीजों को प्राइवेसी प्राइवेट रखा जाएगा। भाई उनको आप पब्लिक नहीं करोगे, कहीं ना कहीं नहीं तो भसड़ मच जाएगी, उसको यार बॉयकॉट करना शुरू कर देंगे। ये सबको पता है कि जो एचआईवी है वो भाई छूने से नहीं फैलता, लेकिन कोई भी ऐसे बंदे से मिलना नहीं चाहता है जिसको एचआईवी है। अब आपको तो ये लगता है कि एचआईवी केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही फैलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत सारे रीजंस होते हैं एचआईवी फैलने के, तो जरूरी नहीं है कि आप उनको इसी नजरों से देखो कि यार ये तो बंदा गड़बड़ है, ठीक है। तो सोसाइटी क्योंकि इस टाइप की है तो कोर्ट ने बोला कि ये भी बिल्कुल प्राइवेसी के अंडर में आता है। द कॉन्करिंग जजमेंट, हाँ, द कॉन्करिंग जजमेंट इंक्लूडेड स्पेसिफिक इंप्लीकेशन ऑफ दिस राइट, सम ऑफ विच आर इलस्ट्रेटेड बिलो। अब हम बात करेंगे फटाफट से कि किसने क्या बोला है, छोटा छोटा सा लाइन है केवल जो बोली गई है। तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ, अपने बिहाफ पर सीजीआई खेहर, जस्टिस अग्रवाल एंड जस्टिस नजीर के बिहाफ पर इन्होंने क्या करा, एक ओपिनियन दिया है। क्या बोला इन्होंने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने, चार जजेस के बिहाफ पर एक ओपिनियन आया। क्या आया, दिस ओपिनियन स्टेटेड दैट प्राइवेसी वॉज नॉट सरेंडर्ड एंटायरली व्हेन द इंडिविजुअल इज इन द पब्लिक स्फीयर। इनका बोलना यह कि जब बंदा पब्लिक डोमेन में आता है तो अपनी जो वो है ना प्राइवेसी वो पूरी सरेंडर नहीं करता है। मतलब कि भाई अगर आप पब्लिकली, मतलब मान लीजिए पब्लिक में खाने पहुंच गए तो ये आपकी चॉइस है कि आपको आम खाना है या केला खाना है। समझ में आ रही बात, तो वहां पर भी आपकी जो प्राइवेसी है, पर्सनल चॉइस है ना, वो वहां पर भी आपकी सरेंडर नहीं करोगे आप, वो भी आपकी तब भी रहेगी। समझ में आ रही बात, अगर आप पब्लिक स्पेयर में भी आते हो तो भी आपके पास आपकी जो इंडिविजुअल अप्रोच है ना वो आपके पास रहेगी वहां पर। ये चीज इसने बोली चंद्रचूड़ साहब ने सबके बाकी और तीन जजेस के बयान पे। फर्दर इट वॉज फाउंड राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड द नेगेटिव राइट अगेंस्ट द स्टेट इंटरफेरेंस। अगर स्टेट जो इंटरफेयर करता है तो वो प्राइवेसी जो है वो नेगेटिव राइट भी रखता है कि भाई उनके अगेंस्ट बोल सकता है। एज इन द केस ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, कि जैसे होमोसेक्सुअलिटी को जब क्रिमिनलाइज किया गया था, जब क्रिमिनलाइज था सेक्शन 377 जो आईपीसी का था, तो जो कि एक नेगेटिव राइट था अगेंस्ट द स्टेट इंटरफेरेंस, तो उसके अगेंस्ट में जो राइट टू प्राइवेसी है कहीं ना कहीं निकलकर बाहर आया और उसने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कराया।
एज वेल एज द पॉजिटिव राइट टू प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट. जैसे जो स्टेट पॉजिटिव राइट भी करता है ना, उसके अगेंस्ट भी आपके पास राइट टू प्राइवेसी है. ऑन दिस बेसिस द जजेस हेल्ड दैट देयर वॉज अ नीड टू इंट्रोड्यूस अ डेटा प्रोटेक्शन रिजीम इन इंडिया. ठीक है ना, इस हिसाब से कोर्ट ने क्या बोला कि भैया डेटा प्रोटेक्शन रिजीम बिल्कुल होनी चाहिए इंडिया में. समझ में आ रही बात कि आप डेटा प्रोटेक्शन नहीं है, आपका जो डेटा है कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए, उसके बाद ही चीजें हो पाएंगी. समझ में आ रही बात. फर्दर क्या हुआ, जस्टिस चेलमेश्वर ने क्या बोला, उन्होंने बोला इन हिज ओपिनियन द जज सेड दैट द राइट टू प्राइवेसी इंप्लाइड अ राइट टू रिफ्यूज मेडिकल ट्रीटमेंट. आप मना कर सकते हो भाई हमें मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, यह भी एक राइट है भाई, हमें इलाज नहीं करवाना, बात खत्म, हमें नहीं करवाना इलाज, तो ये भी आपका राइट है. इन्होंने बोला कि भाई ये भी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, राइट अगेंस्ट फोर्स फीडिंग, आपको कोई जबरदस्ती खिला नहीं सकता, ये भी आपका राइट है. द राइट टू कंज्यूम बीफ, कि अगर आपको बीफ खाना है तो आप वो भी खा सकते हो, उसमें भी आपको कोई नहीं रोक सकता. द राइट टू डिस्प्ले सिंबल्स ऑफ रिलीजन इन वंस पर्सनल अपीयरेंस एक्सेट्रा, कि भैया जब आप पर्सनली अपीयर होते हो कहीं पर तो आप अपने धर्म का जो अपने रिलीजन का सिंबल जो है वो यूज कर सकते हो. आपने देखा होगा हमारे यहाँ भगवा रंग का झंडा यूज किया जाता है हिंदुओं में, मुस्लिम्स में ग्रीन कलर का झंडा यूज किया जाता है. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उनके रिलीजन का एक सिंबल है. ठीक है ना, जो उन्होंने ऑप्ट कर रखा है, ये कोई चीज कहीं लिखी नहीं थी, लेकिन हमने उसको हर रंग में हमने एक धर्म ढूंढ लिया है. ठीक है ना, हर धर्म ने अपना अपना एक रंग चुन लिया, लेकिन रंग का तो कोई धर्म नहीं होता. ठीक है, ये डायलॉग भी किसी मूवी का है. ठीक है, तो यहां पर ठीक था तो यूज हो गया. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो जस्टिस बोबड़े साहब ने क्या बोला, द जज ऑब्जर्व दैट कंसेंट वॉज एसेंशियल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरेंटली पर्सनल डेटा. तो जज ने यहां पर कहा, जज ऑब्जर्व दैट कंसेंट वॉज एसेंशियल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इनहेरेंटली पर्सनल डेटा एज सच एज हेल्थ रिकॉर्ड. तो इनका इनका बोलना यह था जस्टिस बोबड़े साहब का, कि भैया अगर आपने हेल्थ रिकॉर्ड बनाने हैं ना, उसमें पर्सनल डेटा चाहिए, तो उसमें कंसेंट चाहिए होगी बंदे की, नहीं तो राइट टू प्राइवेसी का इंफ्रिंजमेंट हो जाएगा. समझ में आ रही बात. ये इतनी सी लाइन बोली बोबड़े साहब ने. फर्दर क्या हुआ, जस्टिस नरीमन साहब ने क्या बोला, कि इन दिस कॉन्करिंग ओपिनियन द जजेस क्लैरिफाइड द फेसेट ऑफ प्राइवेसी इनटू नॉन इंटरफेरेंस विद द इंडिविजुअल बॉडी. तो इन्होंने क्या बोला कि जो राइट जो प्राइवेसी है, उन्होंने क्या बोला कि भैया इसमें इंटू नॉन इंटरफेरेंस विद द इंडिविजुअल बॉडी, कि भाई इंडिविजुअल की बॉडी के साथ इंटरफेरेंस हम नहीं कर सकते. प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड ऑटोनॉमी ओवर पर्सनल चॉइसेस. तो इनका बोलना यह है कि जो राइट टू प्राइवेसी है, कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो नॉन इंटरफेरेंस है, कि जो और लोग हैं वो इंटरफेयर नहीं कर सकते एक बंदे की पर्सनल लाइफ के साथ, उसके प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, या उसकी ऑटोनॉमी ओवर पर्सनल चॉइसेस, कि इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस इंटरफेयर नहीं कर सकता. फाइनली वी हैव ओनली 3 points लेफ्ट. सो जस्टिस सप्रे वॉट ही सेड, द जज सेड दैट In addition to his existence as an independent right, the right to privacy includes an individual's right to freedom of expression and movement and was essential to satisfy the constitutional aim of liberty and fraternity at which ensured the dignity of the individual. तो इनका बोलना ये है कि एक बंदे की freedom of expression और movement के लिए right to privacy जो है वो बहुत important role play करता है. ठीक है ना, ये एक independent right की तरह है and was essential, और उसके लिए भी essential है कि constitution का जो aim है ना, कि भाई सबको लिबर्टी देनी है, फ्रेटर्निटी देनी है, जैसे कि एक बंदे की डिग्निटी बनी रहे, उसमें भी जो राइट टू प्राइवेसी है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इन्होंने इस तरीके से इसको रिलेट किया. ठीक है, फर्दर जस्टिस कॉल, तो व्हाट ही सेड, द जज डिस्कस द राइट टू प्राइवेसी विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन प्राइवेसी एंड राइट टू प्रिजर्व पर्सनल रेप्यूटेशन. तो इनका बोलना यह है कि इन्होंने क्या बोला कि जो राइट टू प्राइवेसी है, कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल, जो प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी है, जो इंफॉर्मेशन प्राइवेसी है उसको बचाता है, एंड द राइट टू प्रिजर्व पर्सनल रेपुटेशन, पर्सनल रेपुटेशन को भी प्रिजर्व करता है कहीं ना कहीं. ठीक है ना, ही सेड दैट द लॉ मस्ट प्रोवाइड फॉर डेटा प्रोटेक्शन एंड रेगुलेट नेशनल सिक्योरिटी. तो जो उन्होंने बोला कि जो लॉ जो है वो कहीं ना कहीं डेटा प्रोटेक्शन और रेगुलेट नेशनल सिक्योरिटी एक्सेप्शन दैट अलाउ फॉर इंटरसेप्शन ऑफ डेटा बाई द स्टेट. ठीक है ना कहीं डेटा प्रोटेक्शन के लिए भी लॉज होने चाहिए कि भाई जो डेटा है, आपका जो डेटा है वो प्रोटेक्टेड है या नहीं है कहीं ना कहीं. समझ में आ रहे, तो इससे रिलेटेड कोई लॉज नहीं है. तो इनका बोलना चाहिए ऐसे लॉज होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, जो रेगुलेट कर सके नेशनल सिक्योरिटी को. ठीक है, एक्सेप्शन यहां पर क्या है, दैट अलाउ फॉर इंटरसेप्शन ऑफ द डेटा बाय द स्टेट. अगर स्टेट चाहे ना तो इंटरसेप्ट कर सकती है उनको, किसी भी सिक्योरिटी रीजन से उनको चेक कर सकती है. क्लियर हो रहा है? तो ये थे जो 6 अलग ओपिनियंस थे. ठीक है ना, जो 9 जजेस बेंच में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उनके ओपिनियंस थे यहां पर. फर्दर द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट द राइट वॉज नॉट एब्सोल्यूट बट अलाउड फॉर रिस्ट्रिक्शन विच this was provided by the law corresponded to the legitimate aim of the state and was proportionate to the objective it sought to achieve. to inka bolna ye jo right to privacy hai kahin na kahin wo absolute right nahi hai, uske upar bhi restrictions lag sakte hain. aur inka bolna ye hai ki bhai agar jo
स्टेट का लेजिटिमेट एम है, ठीक है ना, अगर जायज जो इनका उद्देश्य है उसके लिए जो उसको अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, क्लियर हो रहा है, जिसमें हमने नेशनल थ्रेट वगैरह आपसे डिस्कस किया था। तो ये था कुल मिलाकर केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। आई होप ये केस आपको समझ आ गया होगा। हमने लगभग 1 घंटा 10 मिनट लगा इस केस को डिस्कस करने में और हमने बहुत ही डिटेल्ड वे में बहुत ही प्यारे तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से इस केस को डिस्कस किया। प्लीज अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जिनको जरूरत है, जिनको केस समझ नहीं आया। वैसे समझने निकलोगे समझ नहीं आएगा, बहुत इसमें हौच पौच है इस केस में यार, ठीक है ना। तो कोशिश करो इस केस को पढ़ो, बहुत इजीली पढ़ा है, प्लीज इसको शेयर करिए। और एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लिटरली बता रहा हूं, ठीक है। तो कोशिश करो कि पढ़ो, इससे कुछ बेनिफिट उठाओ, हम ये चाहते हैं केवल आप बेनिफिट उठाइए इससे, बस इतना बहुत है हमारे लिए। ओके, थैंक यू सो मच आकर्ष, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने इतना पेशेंसली आपने चीजों को वीडियो को देखा, ठीक है ना, इतना पेशेंस रखा आपने, ठीक है ना। तो प्लीज कल ऑफ रहेगा, कल सबके लिए आराम का दिन है, मैं भी कल ऑफ ले रहा हूं, तो कल कोई क्लास नहीं होगी, ना ही मॉर्निंग का कोई सेशन होगा, ना ही 11 AM का कोई सेशन होगा, लीगल न्यूज एनालिसिस और जजमेंट से दोनों क्लासेस नहीं होंगे। हम मंडे को मिलेंगे मॉर्निंग में 8 बजे लीगल न्यूज एनालिसिस की क्लासे मिलेंगे मंडे को, मेक श्योर कि आप लोग वहां पर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना। और एक बढ़िया से इंटरेस्टिंग से सुप्रीम कोर्ट के या किसी हाई कोर्ट के जजमेंट के साथ मिलेंगे, ठीक है ना, जिसमें जो कि आपके लिए जरूरी है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच गाइज, और कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कॉमेंट में बताइए आपको क्या अच्छा लगा और किस तरीके से हम चीजों को और इंप्रूव कर सकते हैं, और अगर अच्छी है तो किस कैसे अच्छी है, तो प्लीज एप्रिसिएशन सुनना, मतलब किसी को अप्रिशिएट करना मुश्किल तो नहीं होता, और अपना एप्रिसिएशन सुनना तो यार सबको अच्छा लगता है, ठीक है ना, अगर कोई अप्रिशिएट आपको करेगा तो अच्छा तो लगता ही है। सो थैंक यू सो मच गाइज, और अगर आप यूजीसी नेट जुडिशरी या क्लैट पीजी के स्टूडेंट हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप एडीपीओ एपीओ या आप किसी भी ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी लॉ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये केसेस, ये जो क्लास है लीगल न्यूज एनालिसिस की या जजमेंट एनालिसिस की, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इनके क्लासेस को अटेंड करें उनको आप, और इनका लाइव सेशन अटेंड करें, क्योंकि उसमें जो इंटरेक्शन होता है ना वो नहीं मिलता आपको देखने को, ठीक है ना। जैसे इस केस में मजा आया वैसे ही सारी केसेस में मजा आता है, तो प्लीज बहुत सारे केसेस हैं जो हमारी लिस्ट में पड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, रोस्टम लीगल के, आप रोस्टम लीगल टाइप करिए, ROSTRUM स्पेस LEGAL रोस्टम लीगल, और आप जैसे ही टाइप करेंगे और यूट्यूब पर आपको पेज खुल कर आएगा, आपकी वीडियोज में लिस्ट चेक करिएगा, वीडियोज बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए केसेस के, पढ़िए जाकर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। सो थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं मंडे को, कल एंजॉय करिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए चीजों से, अपनी चीजों को एक्सप्लोर करिए, ठीक है, और फिर मंडे को मिलेंगे।